आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करेंगे यहाँ से। परसेंटेज अभी मैंने आपको पढ़ाया था, लगभग 9 क्लास हुआ है परसेंटेज का। इसमें एक क्लास हम और लेकर आएंगे जिसमें एसएससी के घटना चक्र से जो बार बार पूछा गया प्रश्न है, ऐसे 10-15 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं एक वीडियो में। तो बीच में किसी दिन वो भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे जो कि घटना चक्र से होगा, यानी बार बार जो पूछा जा चुका है अब तक एसएससी के एग्ज़ाम में। आइए प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम बेसिक से समझते हैं शुरुआत से, और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों, आपको पता है परसेंटेज, जब आपने पढ़ा आप समझ गए हैं सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है भाई? जिस दाम से कोई वस्तु खरीदा जाता है। एसपी का मतलब भी आप समझ गए थे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, बोले तो हिंदी में इसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी जिस दाम से कोई वस्तु बेचा जाता है। दोस्तों, प्रॉफिट का मतलब भी समझते हो आप। प्रॉफिट मतलब होता है हिंदी में लाभ, यानी कम में खरीद कर ज़्यादा में कोई वस्तु बेच दे तो लाभ हो जाएगा। और हानि यानी लॉस, हानि यानी लॉस, हानि को लॉस बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो हानि कब होता है? जब कोई सामान हम ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं, हानि हो जाता है। अब दोस्तों, ये सारी बातें आप जान चुके हैं, अब इसी पर प्रॉफिट एंड लॉस में हम बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम परसेंटेज में भी चर्चा किए थे। एक आपका अमाउंट का केस, अमाउंट का केस किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है, और एक भाव का केस। अमाउंट का केस और भाव का केस क्या है? आप याद रखिए कि जब इन सभी को, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि को रुपया के रूप में दर्शाया जाए, अमाउंट के रूप में, तब वो अमाउंट का केस है। लेकिन जब वस्तु के रूप में दर्शाया जाए, वस्तु के रूप में रहेगा, तब वो भाव का केस है। इसमें कहीं भी रुपया का चर्चा नहीं होगा उस सवाल में। आप कहेंगे कि सर, रुपया का चर्चा नहीं होगा तो सवाल कैसा होगा? तो सवाल ऐसा होगा, कहेगा कि मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मोहन का लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? हमने क्या कहा आपसे? मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें रुपया मैंने कहीं नहीं बोला है, मैंने कहा कि मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य, ये 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने क्या कहा? 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है, कहता है कि मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य उसके 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मोहन का लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों, इस सवाल में कहीं मैंने रुपया का जिक्र किया नहीं किया, ये भाव का केस है। तो याद रहे कि ये भाव का केस और अमाउंट का केस, इसको हम समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, याद रखिए कि भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा एसपी पर निकलता है। यानी कि अगर यहां लाभ निकालना हो तो आप लिखोगे लाभ और बटा विक्रय मूल्य और गुना 100 से प्रतिशत में लाने के लिए। हाँ, बटा में विक्रय मूल्य, अब बचपन से आदत है क्रय मूल्य का, तो वो रुपया वाला केस में होता है। जैसे मान लीजिए कि राम ने या मोहन ने 10 आम खरीदा और 15 आम बेचा। इस सवाल में ऐसे बोलेगा कि मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी मूल्य बराबर है। यानी जितना पैसा में वो 10 आम खरीदा ना, उतना पैसा में 15 आम बेचा, तब 5 गो तक घरे से घटा है। यानी 5 आम घर से देना पड़ रहा है, हानि हो गया 5 आम का। जितना पैसा में 10 आम खरीद के लाया, उतना पैसा में 15 आम बेचना पड़ा, तब 5 आम घर से नुकसान है ना, घर ही से देना पड़ रहा है 5 आम।
तो यहाँ पर अगर ये लाभ रहता तो ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन जब हानि होती है ना तो वैसे ही ऊपर में लिखना है हानि, बट्टा में विक्रय मूल, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये कब करते हैं भैया? ये भाव के केस में। तो इस बार हमारा क्या होगा, 5 वस्तु का हानि, बट्टा में विक्रय मूल लिखना है, तो विक्रय मूल कितना है 15, तो बट्टा में 15, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 5 × 15 और 100 को 3 से भाग देंगे, 33.1/3%, ये हो जाएगा उसको हानि। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये भाव का केस समझ गए होंगे। दोस्तों इसको ज़रा हम मिटाते हैं और आपको बाकी चीज़ें भी यहाँ पर लिख देते हैं, और आप चाहिएगा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों, जब SP यहाँ पर लिखते हैं, जब CP SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो इसे हम अमाउंट का केस कहते हैं। और दोस्तों अमाउंट के केस में याद रखिएगा, प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल पर निकालते हैं, यानी कि अगर हमें लाभ निकालनी हो तो हम लिखते हैं लाभ बटा क्रय मूल और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। और अगर आपको प्रतिशत हानि निकालनी हो तो आप ऊपर में लिखेंगे हानि, बट्टा में लिखेंगे क्रय मूल, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। तो ये फॉर्मूला लगाइएगा अमाउंट के केस में। ये कैसा होगा, तो इस पर क्वेश्चन होगा। मान लीजिए कि कोई सामान आपने खरीदा है 500 रुपये में, खरीदा और उसको बेच दिया है 550 रुपये में। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन समझा देता हूँ। कोई वस्तु आपने 500 में खरीदा, 550 में बेचा, आपको ये पता चला ये भाव का केस है कि अमाउंट का केस। हाँ, रुपया का चर्चा हो गया, अमाउंट का चर्चा हो गया, अमाउंट का केस है। इसमें हमें प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा CP पर निकालनी है। दोस्तों 500 में खरीद के 550 में अगर आप बेच दे देते हैं तो लाभ हो जाता है आपको 50 रुपया का। अब आपको अगर प्रतिशत लाभ बताना है तो लाभ बटा क्रय मूल, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना लीजिए। 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 10% आपका हो जाएगा लाभ इस व्यापार में, कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे, सीखते हैं और सारी बातें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ बढ़ाते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले आपका टाइप 1 का पहला सवाल क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि राहुल ने 30 खिलौने 25 रुपया प्रति खिलौना के दर से खरीदा और 30 रुपया प्रति खिलौना के दर से बेच दिया, तो राहुल का लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। राहुल ने 10 खिलौने 30 नहीं, कहता है राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपया प्रति खिलौना के दर से खरीदा, तो उसका क्रय मूल कितना हो गया। 10 खिलौना 25 रुपये यानी 250 रुपया उसका क्रय मूल हो गया। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, और सबको बेच दिया वो 30 रुपये, यानी 10 खिलौना 30 रुपये बेचा तो 300 रुपया में बेचा। अब हमको पता चल गया कि 250 में खरीद के 300 में बेचा तो लाभ निकल कर आया 50 रुपया, लाभ निकल के कितना 50 रुपया। अब अगर प्रतिशत लाभ बताना है तो ये है भैया अमाउंट का केस, तो लाभ बटा करे मूल, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 0 से 0 25 5 से काटा 5 से 20 25 100 20 बार में, यानी कि हमारा 20% का लाभ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल, पर छोटा छोटा सवाल से हम बढ़ेंगे। आपको पता है इसका भी लगभग 8-9 वीडियो बनेगा, कंटिन्यू देखिएगा। सवाल है अगला, दूसरा, कहता है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। 100 संतरा 350 रुपये में खरीदे गए, 350 रुपये में खरीदे गए यानी ये तो क्रय मूल 350 रुपया दे दिया है। आगे कहता है 48 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिए गए। अच्छा, एक दर्जन बराबर होता है कितना, आपको पता होगा एक दर्जन में होता है 12 संतरा, केला हो, संतरा हो, सेब हो, कुछ भी हो, 12 होता है उसकी संख्या, एक दर्जन बराबर 12। तो 100 गो संतरा है, कितना दर्जन हुआ, 12 से भाग देते हैं यानी 8 दर्जन से ज़्यादा, बढ़िया 96, 4 गो और यानी 8 दर्जन 4,
तो क्या किए, 100 को संतरा है 12 से भाग दे दिए, तो ये दर्जन में पता चल गया, और एक दर्जन का दाम 48 रुपया है, तो इतना दर्जन का दाम कितना, तो 48 से गुना, ऐसे बेचा है 12 चौके 48, यानी बेच दिया है भैया 400 में। अब आप जान गए कि 400 में बेचा 350 का सामान, 350 में खरीदा और 400 में बेच दिया, बताइए ना लाभ हो गया कि नहीं। हाँ लाभ हो गया है भैया फिर से 50 रुपया का, तो प्रतिशत लाभ बराबर, ये लाभ बटा क्रयमूल, यानी 350 प्रतिशत के लिए 100% से गुना, आइए 0 से 0 5 7 35, 100/7 14 7 98 2 100, यानी कि 14.2/7 प्रतिशत हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। कहता है कुछ वस्तु 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ होगा, प्रतिशत में लाभ पूछा है। सवाल का ये कहना है कि कुछ वस्तु 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा गया है। आगे कहता है जबकि 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई, यानी 5 वस्तु बेचा गया। खरीदने का भी रेट पता है और बेचने का भी रेट पता है, कैसे ध्यान दीजिए, 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा, हाँ वस्तु ज़्यादा है, और जबकि 6 रुपया में 5 वस्तु बेच रहा है, यानी लाभ कमा रहा है, तो प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं आपको निकालना है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। सवाल में प्रतिशत लाभ ही पूछा है, आपको क्या करना चाहिए, ऐसा सवाल जब आपको खरीदने और बेचने का रेट पता हो कि इतना रुपया में इतना खरीदना है, इतना रुपया में इतना बेचना है। अच्छा जरूरी नहीं कि 5 6 फिर 6 5, जरूरी नहीं है ऐसा, ये डिजिट चेंज हो सकता है, 5 6 11 8 ऐसे कुछ रहेगा, जरूरी नहीं, यहाँ तो ऊपर जो 2 डिजिट है वही 2 डिजिट नीचे भी है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहे, सवाल कैसा हो रहे, लेकिन केवल खरीदने और बेचने का रेट आपको पता हो तो क्या करिएगा, पहला वाला स्टेटमेंट का वस्तु और दूसरे वाले स्टेटमेंट का दाम को गुना कर दीजिएगा, यानी कि पहला का वस्तु दूसरा का दाम गुना कर देना है, वस्तु और दाम 6 × 6, अब बाकी जो दोनों बच गया उसको गुना करके घटा लेना है, ये दोनों बच गया, दोनों में कई गो बच जाएगा, इसको गुना करके घटा देना है, याद रहे जिसको घटाना है बटा में उसी को लाना है, अरे जिसको घटाना है बट्टा में उसी को लाना है, आप प्रतिशत के लिए 100% से गुना लगाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में आ जाए तो समझ जाना कि हानि हुआ था व्यापार में, और सॉरी प्लस में आ जाए तो समझ जाइए कि लाभ हुआ था व्यापार में। बोलिए ये 36 में से 25 गया 11, नीचा है 25, 100% से गुना है, 25 × 100 11 × 44 प्रतिशत प्लस में आया ना, तो लाभ हुआ, आप ऑप्शन में लाभ देखकर ही मारना है आपको, हालांकि सवाल में लाभ ही पूछा था तो लाभ ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है आगे बढ़ूं, आइए अगला सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल हमारा है, सवाल का ये कहना है चौथा क्या कहता है जान लीजिए जरा। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 10 रुपये में 11 वस्तु के दर से खरीदी, उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब लीजिए 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा, ये 10 रुपया है, ये 11 वस्तु है, ठीक बात, और कहता है फिर 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दिया, मैंने आपसे क्या कहा था, ये खरीदने का भी रेट पता है और बेचने का भी रेट पता है, मैंने आपसे कहा है कि जब खरीदने और बेचने का रेट मालूम हो, जब खरीदने और बेचने का रेट मालूम हो तो एकर वस्तु ओकर दाम, यानी कि पहला वाला का वस्तु और दूसरा वाले का दाम को गुना करना है, 11 × 11 कर दिए, अब बाकी जो दोनों बचा ना उसको गुना करके घटा देना है, जिसको घटाए हैं उसी को बट्टा में लाए हैं, 100% से गुना लगाए हैं प्रतिशत मिलाने के लिए।
आइए, ये तो 100 से 100 कटिए गया, 121 में से 100 चल गया, 21 हुआ प्रतिशत प्लस में, क्या है कि 100 घटेगा ना 121 में से, यानी 21% का लाभ होगा इस व्यापार में। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और ही ऐसे हिस्से, बहुत बेसिक सा चीज़। आइए दोस्तों अगला सवाल हमारा कहता है, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपये में बेचे, यदि एक्स बड़ा है वाई से तो उसे हुआ, यानी क्या हुआ। एक फल विक्रेता एक्स अमरूद वाई रुपये में, एक्स अमरूद यानी ये वस्तु है, चलिए अमरूद ही हम लिख देते हैं, एक्स अमरूद खरीदता है वाई रुपये में, यानी ये खरीदने का रेट पता, और फिर कहता है कि वाई अमरूद एक्स रुपये में बेचे, वाई अमरूद एक्स रुपये में बेचे, यानी ये विक्रयमूल भी पता है। अब एक बात देखिए ज़रा, इस सवाल में खरीदने बेचने का रेट पता है, हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे। सवाल में एक चीज़ और कहा, यदि एक्स बड़ा है वाई से, कहता है कि भैया एक्स बड़ा है वाई से, एक्स ग्रेटर देन वाई, हाँ, तब पूछता है कि क्या हो जाएगा इस व्यापार में, लाभ हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं, खरीदने और बेचने का रेट पता है, तब पहला वाला का वस्तु और दूसरे वाला को दाम को गुना करेंगे, ऐसा ना किए है दोनों गुना कर दिए होंगे, कुछ लोग गड़बड़ाइए जाएगा, पहला का वस्तु दूसरा का दाम करना है गुना, और बाकी जो दोनों में कई गो बच जाएगा उसको गुना करके घटा देना है, जिसको घटाना है बट्टा में उसी को लाना है, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना लगाना है। भैया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर और गुना 100%। अब हमें सोचना है कि लाभ हुआ कि हानि। तो आपको पता है एक्स बड़ा बोला है वाई छोटा बोला है, तब बड़का के स्क्वायर बड़ा ही रहेगा, छोटका के स्क्वायर छोटा ही रहेगा, बड़का के स्क्वायर बड़ा रहेगा, छोटका के स्क्वायर छोटा ही रहेगा, तब बड़ा में से छोटा घटेगा तब प्लस में ही ना होगा, यानी कि लाभ हुआ। अगर रिजल्ट हमारा प्लस में आता है तो लाभ होगा, और रिजल्ट अगर माइनस में होता है तो हानि होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अब कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब क्या सिखाने वाले हम आपको देखिए दोस्तों, होल वैल्यू इसकी ज़रूरत होगी, इसको शॉर्ट में WV से आप लिख सकते हैं होल वैल्यू को। अगर 20% लाभ है, अच्छा लाभ हानि का ही होल वैल्यू निकालना है, अब 20% मान लीजिए हानि है, ठीक है, इसका होल वैल्यू तो 20% का मान होता है 1/5। अगर लाभ है तो जोड़िए, 5 में 1 जोड़िए 6, नीचा वाला जीव का तीन। 20% हानि का होल वैल्यू, 20% का मान होता है 1/5, हानि है तो घटाइए, 5 में 1 घटेगा 4, नीचा वाला जीव का तीन। अब इसका यूज कहाँ होगा, अच्छा मान लीजिए कि अगर 30% लाभ है तो 30% का मान, देखिए 30% लाभ है और इसका होल वैल्यू हमें निकालनी है, यानी 130% का मान निकला लिखना है, या आप ऐसे करिए 30% का मान होता है 3/10, अगर लाभ है तो इसको जोड़ दीजिए, 10 को 3 में जोड़िए ऊपर 13 और नीचा वाला जीव का 3, 13/10। अब आप कहेंगे सर इसका यूज कहाँ होगा, तो इसका यूज यानी यूज ऑफ होल वैल्यू हम कहें, ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ होल वैल्यू, जब आपको क्रयमूल पता हो और आपको विक्रयमूल पता करना हो, उस सवाल में लाभ हानि का प्रतिशत दिया हुआ होगा, यानी कि क्रयमूल दिया, लाभ या हानि का प्रतिशत दिया और आपसे विक्रयमूल पूछा, तो क्रयमूल से विक्रयमूल पर जाना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, यानी क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पर विक्रयमूल पता हो जाएगा, और विक्रयमूल में
होल वैल्यू का विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। अच्छा, सीधा गुना उल्टा गुना का क्या मतलब हुआ? अगर आप कोई संख्या में 4/5 से गुना करते हैं तो सीधा हुआ, 5/4 इसको उलट के गुना करते हैं तो उल्टा। जैसे मान लीजिए हमको 500 में भाग देना है, सॉरी गुना करना है, तो सीधा गुना का मतलब कि 4/5। अगर मान लीजिए कि 500 में कोई सामान खरीदा गया, अगर कोई सामान खरीदा गया है 500 रुपये में और उस पर 20% हानि हुआ और उसको बेचने से हानि हुआ 20% का, तो आपसे विक्रय मूल्य पूछ ले तो क्या करना है? विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना, तो विक्रय मूल्य पता, 500 रुपया हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब 20% हानि, 20% का मान 1/5 हानि है तो घटाइए 4/5। अब 4/5 से सीधा कर दिए गुना, सीधे उठा के अब 5 से इसको काट दिए 100 बार में, यानी 400 रुपया में वो वस्तु बेचा गया है जो 500 में खरीदा गया था, 400 में बेचा गया है, ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा गया है, इसलिए हानि हो गया है। अब दोस्तों एक बात और आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि कब सीधा गुना और कब उल्टा गुना। तो कब सीधा कब उल्टा हो सकता है कि आप भुला जाइएगा, लेकिन आपको एक ऐसा टेक्निक बता देंगे जो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ABCD वाला सड़क पकड़ लीजिए, ABCDEFG आगे होता है ना, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो STUVWXYZ होता है। अब देखो CP और SP आप समझ रहे हो, CP समझ रहे हो, SP समझ रहे हो, P तो दोनों में है, P छोड़ दो, C से समझना आप कॉस्ट प्राइस और S से समझना सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माने खरीदने वाला रेट, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला रेट। अगर मान लो इस सड़क पकड़ ले जाना है, सड़क से जाना है और आप सी पर खड़े हैं और एस पर जाना है, तो एस कहाँ है बताइए? एस आगे है ना, तो सी से अगर एस पर जाना है तो सीधे चल जाएंगे तो एस पर पहुंच जाएंगे, पहुंच गए। और अगर मान लीजिए कि एस पर हम पहुंचे हुए हैं और सी पर जाना है तो आगे कहीं सी है? नहीं, जेड तक खत्म। अगर हम एस पर हैं, हमको सी पर जाना है, पीछे जाना होगा, उल्टा ना जाना पड़ेगा, सी तो पीछे है, तब पीछे यानी कि एस से सी पर जाना है तो उल्टा घूमेंगे और उल्टा चल के आएंगे तो पहुंच जाएंगे कहां पर? सी पर। यानी याद हो गया होगा कि सी से एस पर जाना है तो आगे जाना होगा, आगे जाने का मतलब सीधा जाना होगा, और एस से सी पर आना है तो उल्टा आना होगा यानी उल्टा गुना होगा। सीधा जाने का मतलब होल वैल्यू का सीधा गुना, उल्टा आने का मतलब होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो आइए इस पर भी कुछ सवाल देख लेते हैं हमारा। अब इस टाइप के कुछ सवाल कहता है, इसमें से 10 नंबर सवाल और बीच के वैसे सवाल जो आप पीछे पढ़े ना वैसा ही टाइप था, इसलिए आगे 10 नंबर से बढ़ते हैं। मंगलू एक साइकिल 1250 में खरीदा, कितना में बेचे कि साइकिल पर 10% का लाभ प्राप्त हो? मंगलू जो है 1250 में एक साइकिल खरीदा, अब 1250 में खरीदा, कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, 10% लाभ कमाना चाहता है। तो भैया 10% का होल वैल्यू निकालो, होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ हानि का ही निकालना है। 10% का मान 1/10, लाभ है तो जोड़ के 11/10, यानी 1250 में क्या करेंगे? ये क्रय मूल्य है, जाना है विक्रय मूल्य पर, और ये कॉस्ट प्राइस है सी है, एस पर जाना है सेलिंग प्राइस पर, सीधे चल जाइए यानी सीधा गुना 11/10 से, 0 से 0 कट गया, 125 में गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1375 क्या? हाँ चलिए 1375 ही होगा गुना करके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को, अपना अगला सवाल क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। मेरा अगला सवाल है दोस्तों कि 20% लाभ लेकर, सवाल नंबर 11 कहता है कि 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 में बेचता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। 20% लाभ लेकर 390 में बेचता है यानी सेलिंग प्राइस है 390 रुपया, और लाभ कितना लिया था इस पर? 20% का, तो 20% का मान 1/5 होल वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का मान 1/5, लाभ है तो जोड़ लो 6/5, ये 390 SP है,
हमको सीपी पता करना है ता पीछे का न बात जानना है, उल्टा गुना होगा। अरे लाइन कौन काट दिया रे? चलिए कोई बात नहीं, लाइन आ गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 390 रुपया तो विक्रयमूल था, क्रयमूल पता करना है, क्रयमूल यानी सी पर जाना है, उल्टा जाएंगे, पांच ऊपर छह नीचे, उल्टा गुना, पांच ऊपर छह नीचे, छह से काटेंगे, छह एक छत्तीस, शेष तीन, छः पचे तीस, पचे पच्चीस के पांच हासिल दो, छः पचे तीस और दो बत्तीस, यानी 325 रुपया खरीदा हुआ था 325 में, बेच दिया है 390 में, लाभ हो गया था 20% का। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं, बहुत प्यारा सा अच्छा सा सवाल है। आइए, सवाल कहता है 12 नंबर, कहता है एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 में बेचता है तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है, बताए कि घोड़ा को कितना में बेचे कि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। सवाल का यह कहना है कि व्यापारी अपने घोड़ा को 570 में बेचता है, 5% हानि हो जाता है। दोस्तों कई तरीका से आप इसे बना सकते हैं, पहले चलिए एक तरीका बता देते हैं, एक अलग तरीका भी बता देंगे। सुनिएगा, 570 रुपया में बेचता है तो 5% हानि होता है, तो 5% हानि का होल वैल्यू, 5% का मान 1/20, हानि है तो घटा के 19/20। अब बताइए 570 में बेचा, ये तो एसपी है ना, एसपी में उल्टा गुना कर दीजिए होल वैल्यू का तो सीपी पता चल गया, अभी पूरा सीपी कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, सीपी। अब सवाल कहता है कितना में बेचे, कितना में बेचे, यानी एसपी पूछ रहा है फिर से कितना में बेचे कि 5% लाभ हो जाए, तो 5% लाभ चाहिए। सुनिए, 5% का मान 1/20 लाभ है तो जोड़ के रे भाई 21/20 से गुना कर दीजिए, 21/20 से कर दीजिए, लीजिए 20 से 20 कट गया, 19 तिहाई 57 और 21 तिहाई 63, 630 रुपया में बेचना होगा। 570 में बेचते थे 5% हानि होता था, अगर इसको हम 630 में बेच देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा, कितने का, 5% का। आप चाहो तो सवाल को ऐसे भी बना सकते हो, कैसे जानते हैं, ऐसे सुनिए, कोई वस्तु को बेचने से 5% हानि हुआ, मतलब कि 95% दाम पर ही बेचा गया, तो हम कह सकते थे कि 95% दाम पर बेचा गया, जबकि बोला है कि बेचा गया था 570 में, यानी कि 95% का वैल्यू वो 570 है। अब कहता है कितना में बेचा जाए कि 5% लाभ हो जाए, 5% लाभ कमाने के लिए 105% पर उस सामान को बेचना होगा, यानी कि अब हमको 105% का वैल्यू निकालना है, 105% का वैल्यू निकालना है, तो 570/95 और गुना कितना हो जाएगा, 105। लीजिए अगर हम काटते हैं 19 पचे 95, 19 तिहाई 57, 5 से काटते हैं 21 पचे, अब 21 तिहाई 63, 630 रुपया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं आज के क्लास को, और आज होगा हमारा टाइप टू, तो क्लास दो में हम आपको टाइप टू ही बताने वाले हैं लाभ हानि का। आज हमने ग्रीन बोर्ड का यूज़ किया है, और ताकि थोड़ा सा क्वालिटी बेहतर हो, मेरा तो यही प्लानिंग है, अब देखते हैं कि इस प्लानिंग में सफल कहाँ तक होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए, टाइप टू होगा, और पहला सवाल क्या कहता है ज़रा ध्यान दीजिए। और आप लोग ये भी कह रहे थे कि सर स्मार्ट बोर्ड क्या हुआ, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड तो हमने लगा दिया है, लेकिन अभी मैं अपने गांव हूँ और यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं लगा था, मैं जहाँ रहता था ना हाजीपुर, वहाँ पर लगा था, तो फिलहाल अभी लॉकडाउन है और मैं अपने गाँव में हूँ, इसी की वजह से डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। आइए, सबसे पहला सवाल आज का कहता है क्वेश्चन, 18 वस्तु का क्रयमूल 15 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों इस सवाल में आप देख रहे हो कहीं भी रुपया का चर्चा नहीं हुआ है। सवाल ये कहता है कि 18 वस्तु का क्रयमूल 15 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 18 वस्तु का क्रयमूल यानी कि 18 वस्तु का क्रयमूल जो है भैया 15 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, 15 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो कहता है कि लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। इस सवाल में रुपया का चर्चा नहीं हुआ है, केवल वस्तु का चर्चा हुआ है, ये भाव का केस है,
और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा एसपी पर निकालते हैं। अब बताइए, इस सवाल का कहना यह है कि जितना रुपया में आप 18 वस्तु खरीदे हो ना, उतना रुपया में 15 वस्तु बेचना पड़ा है। 18 को खरीदे, 15 ही गो बेचे, 3 वस्तु का लाभ हो गया ना, यानी लाभ जो हमारा हो गया है वो 3 वस्तु का। तो दोस्तों, अब 3 वस्तु का जब लाभ हो गया, 3 वस्तु का लाभ हो गया है, तो हमको बताना है कि प्रतिशत लाभ कितना का हुआ। तो लाभ 3 कितना पर, 15 पर, बट्टा में 15 लिखना है। भाव का केस हो तो बट्टा में एसपी लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब चलिए, तो 3 × 15 और 5 × 100 को काटेंगे 20 बार में, यानी कि इसमें 20% का उसको लाभ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल होगा, सवाल कहता है कि 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। वही बात है, 15 वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही है। तो 15 वस्तु खरीदते हैं, यानी 15 वस्तु का लागत मूल्य कहता है कि 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितना पैसा में आप 15 वस्तु खरीदते हैं उतना पैसा में 12 वस्तु ही बेचते हैं, यानी कि आपको 3 वस्तु का लाभ हो जा रहा है। पैसा तो उतना आ जा रहा है, 3 वस्तु बच जा रहा है, तो 3 वस्तु का लाभ हुआ। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटा एसपी गुना 100, ये भाव के केस में। अगर रुपया वाला रहता तो बट्टा में सीपी लिखते, यानी क्रय मूल्य लिखते। सुनिएगा, तो 3 का लाभ बट्टा में एसपी देना है 12, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 3 × 12, 4 × 4 कितना बार में, 25 बार में, यानी कि हमारा हो गया 25% का लाभ। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। प्रश्न कहता है 40 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आराम से बना लेंगे, 40 वस्तु का लागत मूल्य, 40 वस्तु का लागत मूल्य जो है 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सुनिएगा, यानी जितना पैसा में हम 40 गो खरीदे हैं उतना पैसा में 25 गो ही बेचे हैं, 15 वस्तु का लाभ हो गया। आप फिर लाभ निकाल लोगे, लाभ प्रतिशत, 15 वस्तु का लाभ, तो लाभ बट्टा कितना लिखेंगे, बट्टा में एसपी लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे। दोस्तों, ये 25 × 100 हो गया, तो 15 × 60% हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब एक ही टाइप के 3 सवाल हो गए और हम चाहेंगे कि क्वेश्चन को चेंज कर दें। अगला सवाल है हमारा चौथा, देखिए अच्छा सवाल है, चेंज भी हो गया। कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। सवाल का ये कहना है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्रय मूल्य का 60%, यानी सीपी का 60% जो है उसके एसपी के 50% के बराबर है, एसपी के 50% के बराबर है। यानी दोस्तों, आप प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हो, 0 से 0 काट सकते हो, यानी कि सीपी अब बट्टा में ले के आइए एसपी बराबर उधर 5, बट्टा में चल जाएगा 6, यानी सीपी एसपी एक तरफ कर दिए, संख्या वाला को दूसरे तरफ रख लिए। अब दोस्तों ध्यान देना, यानी आपको समझना है कि कोई वस्तु खरीदा गया 5 में और बेचा गया 6 में। सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, यानी मूल्य का चर्चा हुआ है इसमें, क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के ही बराबर है, यानी कोई सामान खरीदा गया था 5 रुपया में अगर, तो बेचा जा रहा है 6 रुपया में, इसका ये सेंस है। तो बताइए, खरीदेंगे 5 में आप बेच देंगे 6 में, विक्रय मूल्य बराबर 6, क्रय मूल्य बराबर 5, खरीदेंगे 5 में बेच देंगे 6 में, तो लाभ हो जाएगा ना हमको कितने का, 1 रुपया का। तो देखिए, अब प्रतिशत लाभ जो निकलेगा वो निकलेगा लाभ बट्टा में सीपी गुना
100% से, ठीक है ना, क्योंकि इस बार वस्तु नहीं बोला है, केवल मूल्य का चर्चा हुआ है। सुनिएगा, तो लाभ कितना का, एक का, अब बट्टा में सीपी लिखेंगे हम कितना, 5, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, आइए 5 से 100 को काटा 20 बार में, हमारा आंसर हो गया 20%। तो चलिए, आई होप कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत इजी टाइप है ये, आइए। तो 5 नंबर सवाल, कहने की बात नहीं है, यदि 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 15 मेज का क्रय मूल्य, यानी खरीदे आप 15 मेज, मेज का चर्चा हुआ है, कोई वस्तु का चर्चा हो जाए, 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितना पैसा में आप 15 मेज खरीदे हैं उतना ही पैसा में आप 20 मेज बेचे हैं। भैया खरीद के लाए 15, आप बेचना पड़ा 20, उतना ही मूल्य में, तो हानि ना हो जाएगा। 5 मेज का हानि, यानी घर से ही घटा है, 5 मेज का हानि, तो हानि हो रहा है आपको 5 मेज का। आपको बताना है कि प्रतिशत हानि क्या, याद रहे जब वस्तु का केस हो तब अट्टा में हमेशा एसपी लिखना है, प्रतिशत हानि निकालना है, तो हानि बट्टा एसपी, अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। चलिए 20 25 100, 25 25, यानी कि 25% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। तो अगला सवाल आप बना लेंगे, छठा बन जाएगा, सतमा है, यदि क्रयमूल का, क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, सतमा देखते हैं, छठा आपसे हो जाएगा। सतमा देखिए, सतमा कहता है यदि क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात, यानी सीपी और एसपी का अनुपात है 5:6, तो कहता है लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, इस बार वस्तु नहीं बोला है, सीधे बोला है क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 5:6 है, इसका सेंस यह हुआ कि कोई सामान 5 में खरीदा गया, 6 में बेचा गया, तो लाभ 1 का हो गया, तो लाभ हुआ 1 रुपये का, बट्टा में सीपी लिखना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। इसको अमाउंट का केस समझना, इसमें वस्तु नहीं बोला गया है, 5 से 100 को काटा 20 बार में, यानी कि 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन मारिएगा 20%, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर, और 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है देखिएगा। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 के दर से केले खरीदे और 1 रुपये में 4 के दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ यहां नहीं क्या होगा। बड़ा सिंपल है ये, कुछ नहीं, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 के दर से केले खरीदे और 1 रुपये में 4 के दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 के दर से खरीदे, 1 रुपया में 5 के दर से खरीदा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 रुपया का चर्चा हुआ है ना, 5 वस्तु खरीदा वो, 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदा और 1 रुपया में 4 वस्तु बेच दिया, इसको भाव के केस पर लेकर भी बना सकते हैं। कैसे, ये 1 रुपया ही रहा, यानी जितना रुपया में 5 वस्तु खरीदा उतना रुपया में 4 वस्तु ही बेचा, यानी 1 वस्तु वो बचा लिया 1 रुपये का व्यापार करते टाइम, नहीं 5 वस्तु खरीदा और 4 वस्तु ही बेचा, 1 वस्तु बचा लिया, यानी उसको हुआ लाभ। उसको लाभ हुआ कितने का भैया, 1 वस्तु का, तो 1 वस्तु का। अब इसको हम भाव के किस पर बना लेते हैं, प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बट्टा एसपी, लाभ बट्टा में एसपी, और प्रतिशत के लिए हमें 100% से गुना करना है, 4 से कटा 25 बार में, चलिए 25% का हो गया हमारा आंसर, यानी लाभ हुआ। अब आप चाहेंगे तो एक ट्रिक हम आपको बताए थे इससे पहले की वीडियो में, यानी पहला क्लास में,
अगर नहीं देखें तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ भी देखिएगा। चलिए उस तरीके से इस सवाल को बनाकर देखते हैं क्या वैसे बनेगा कि नहीं, क्योंकि खरीदने बेचने का रेट मालूम है। तो याद करिए, पहला का वस्तु दूसरा का दाम लेकर गुना करते थे, क्या करते थे। इस बार कहता है सवाल, एक फल विक्रेता, सवाल नंबर वही 8 है, मैं दूसरे तरीका से बता रहा हूँ आपको। एक रुपये में 5 के दर से खरीदा, 1 रुपये में 5 वस्तु को क्या किया है, खरीदा है, सीपी है ये, और बेचा कैसे है, एक रुपये में 4 के दर से बेचा है, यानी 4 वस्तु बेचा है। दोस्तों हमें खरीदने और बेचने का रेट पता है। जब खरीदने और बेचने का रेट मालूम हो, मालूम क्या हो, खरीदने और बेचने का रेट मालूम हो, तो पहला वाला का वस्तु और दूसरे वाला का दाम को गुना करना है। पहले वाला का वस्तु और दूसरे वाला के दाम को गुना करना है। गुना करिए 5 गुना 1, अब जो दोनों में बच गया उसको गुना करके घटा देना है। सुन लीजिए क्या किए, पहला का वस्तु दूसरा का दाम गुना करना है, और दोनों में जो 1-1 बचता है उसको गुना करके घटाना है। जिसको घटाना है बट्टा में उसी को लाना है, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाना है। आइए, ये 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, आई बट्टा में हो गया 4, लीजिए 100% से गुना है, 4 से 100 को काटा 25 बार में, यानी हमारा आंसर हो गया 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आइए 9 नंबर, क्या कहता है 9 नंबर सवाल। रामकली कुछ टॉफियां 1 रुपये में 2 के दर से खरीदती हैं और उन्हें 1 रुपये में 5 के दर से बेचती है, उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। ये दोनों तरीका से बना सकते हो, जैसे पिछला सवाल बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप बना लीजिएगा। इसको छोड़ देते हैं, 10वां बढ़ते हैं। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सुन लीजिए ऐसा सवाल कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होना और कभी क्रय मूल्य के बराबर लाभ होना। कहता है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, यानी 12 बॉल पेन बेचने पर उसको कहता है कि 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। कहता है कि 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, चलिए विक्रय मूल्य के बराबर, यही पॉइंट है लाभ। कभी कहेगा 12 बॉल पेन बेचने से 4 बॉल पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, कभी रहेगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। सुनिएगा, तो जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि जितना वस्तु का लाभ हानि हो, आपको निकालना है प्रतिशत लाभ ना, क्योंकि लाभ हुआ है इसमें, तो जितना वस्तु का लाभ हानि हो उसको ऊपर लिखना है। 4 गो का लाभ हुआ है, जितना वस्तु बेचा गया उसको बट्टा में लिखना है। क्या करना है, लाभ को ऊपर, बेचा गया वस्तु को नीचे, और लाभ हुआ है तो ऊपर वाला को नीचा घटा कर लिखना है। ए उल्टा काम करना है, हाँ सही बोल रहे हैं हम, उल्टा काम करना है। लाभ है तो नीचा घटाइए, हानि रहे तो ऊपर का को नीचे लाके जोड़ दीजिए, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बस। अब ये 4/8 हो गया, ये बटा में 8, तो 4 से 8 को काटोगे 2 बार में, और 2 से 100 को काटोगे 50 बार में, यानी कि 50% का क्या हो जाएगा हमारा, 50% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे सवाल भी बता दूं, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको कहे ना कि 15 वस्तु को बेचने से, यानी 15 वस्तु को बेचने से, सवाल ऐसा बोल दे, थोड़ा सा मैं अच्छे से कन्फर्म करा दूं आपको, 15 वस्तु को बेचने से कह दे कि 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है,
क्या होती है? हानि होती है। तो प्रतिशत हानि बताइए, प्रतिशत हानि क्या होगा? क्या है? 15 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि बताइए। कभी होगा विक्रय मूल्य के बराबर हानि, कभी होगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, कभी होगा क्रय मूल्य के बराबर हानि, कभी होगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ अब वस्तु बेचने से। तो याद रहे, अभी हम विक्रय मूल्य पर बता रहे हैं, क्रय मूल्य पर अभी बताएंगे। इस बार क्या करना है कि प्रतिशत हानि निकालना है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर, मेन है यही, विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि है तो आपको लिखना है जो हानि हुआ उसको ऊपर या लाभ हुआ उसको ऊपर, हानि लाभ को ऊपर ही लिखना है। बट्टा में विक्रय मूल्य और सुनो हानि हुआ था ना, तो नीचा लाकर उसको जोड़ दीजिए और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर लीजिए। अब आप 3/18 कहेंगे, 3 से ये 18 को काटेंगे 6 बार में। अब 6 के आधा 3 तो 100 का आधा 50। चलिए अब 50/3 बोले तो 16.2/3% का क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हानि हो गया दोस्तों। अब इस सवाल को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं ताकि पूरा कन्फर्म करा दें हम आपको। देखिए सवाल ऐसे रहेगा और ये विक्रय मूल्य के बराबर न रह के ये सवाल क्रय मूल्य के बराबर रहे। कहे कि 15 वस्तु को बेचने से 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। सुनिए, अब है क्रय मूल्य के बराबर हानि, कभी रहेगा विक्रय मूल्य के बराबर हानि। मेन यही है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि कह रहा है, इस बात को ध्यान देना है। अगर क्रय मूल्य के बराबर हानि है तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत हानि निकालने के लिए आपको लिखना है जितना का हानि हो या लाभ हो उसको ऊपर, अब बेचे गए वस्तु को नीचे। आई क्रय मूल्य के बराबर है ना, तो लाभ हानि रहे कुछ भी रहे, नीचा जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। लाभ हानि जितना का हो उसको ऊपर, बेचे गए वस्तु को नीचे, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना लीजिए। 3 × 15, 5 से 100 को काटा 20 बार में, आपका 20% का हानि हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हानि ना होकर लाभ रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब कहता 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर यहाँ लाभ होता है, लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। आपसे कहता प्रतिशत लाभ ना, प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो वही काम करते, प्रतिशत लाभ भी होता सेम, 3 वस्तु का लाभ लिखते। अगर क्रय मूल्य के बराबर है तो जितना वस्तु बेचे हैं उसको नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अच्छा, दोनों सवाल में ये काम करते हैं, याद रखने के लिए समझना कि क्रय मूल्य के बराबर अगर रहेगा तो छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना का लाभ हानि हो उसको ऊपर और बेचे गए वस्तु को नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये हमेशा क्रय मूल्य के बराबर ऐसा हो तब लीजिए। 3 × 15, 5 से काटे 20 बार में हमारा 20% लाभ हो गया है। तो आज एक रूल जान लीजिए, सबसे पहले कि जब 2 वस्तु का सीपी समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये एक टाइप है हमारा, तीसरा टाइप है ये, जब 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा उस व्यापार में। इस सेम चेंज का क्या मतलब है दोस्तों? अगर मान लीजिए 10,000 रुपये प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदा गया हो और बेचा गया हो, एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर, ये सेम चेंज हुआ, जितना प्रतिशत का लाभ उतना ही प्रतिशत का हानि, या हो सकता है एक को 5% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर। सवाल कहेगा कि 10,000 रुपये प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदा जाता है, एक को बेचने पर 5% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 5% की हानि होती है, तो याद रहे इस व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी कि न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। तो चलिए देखते हैं और अगला रूल क्या कहता है कि जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो ऑलवेज लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, चलिए आगे पूरा जानकारी हम आपको बताते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो ऑलवेज लॉस होगा।
सवाल कैसा होगा? आपसे कहेगा सवाल कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपया प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदता है, सॉरी ये बेचता है, विक्रय मूल्य वाली बात है। जब 2 घोड़ा बेचेगा 5,000 रुपये प्रति घोड़ा के दर से, हो सकता है कहेगा एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरे पर 15% की हानि होती है, तो इस व्यापार में क्या होगा? तो जब विक्रय मूल्य समान रहे दो वस्तु का तो हमेशा लॉस होगा, सेम चेंज होना चाहिए। अच्छा, सेम चेंज का क्या मतलब है? जितना प्रतिशत लाभ उतना ही प्रतिशत हानि, इसी को हम सेम चेंज कहेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक 15% लाभ है वो 12% हानि, वो दूसरा हो जाएगा सवाल, उस टाइप का सवाल दूसरे तरीके से हम बनाएंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, जब सेम चेंज होगा तो ऑलवेज लॉस होगा, और लॉस बराबर कहिएगा फॉर्मूला है इसका x²/100%। अच्छा, x का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर x का मतलब हुआ कि जितना प्रतिशत लाभ हानि होगा उसका चर्चा होगा। अगर 15% लाभ हानि दे रहा है तो यहाँ 15 का स्क्वायर करके लिखना है, 225 और 100 से भाग दे देना है, उतना ही प्रतिशत का हानि होगा। आइए और इसी पर चर्चा करते हैं, ये दो फार्मूला पर चर्चा करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसा होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले आज का जो हमारा पहला सवाल है, सवाल तो अनारकली से शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अनारकली 5,000 रुपया प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदती है। इनमें से वह 1 घोड़ा को 15% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 15% हानि पर बेचती है, तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 5,000 रुपया प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदा गया है इस सवाल में। अच्छा, 2 घोड़ा खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य समान है। जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि सेम चेंज होने पर नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि ना तो लाभ होगा इस व्यापार में ना हानि होगा। अब चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा कैसे, काहे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो जरा समझ लीजिए। मान लीजिए कि पहला घोड़ा आपने 5,000 रुपया में लिया, दूसरा घोड़ा 5,000 में ही खरीदा है, ये दोनों का क्रय मूल्य है। एक पर हो रहा है यहाँ पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% हानि, यानी मान लेते हैं कि 5,000 का 15% लाभ कितना होगा? तो भैया लाभ जो होगा, यही देखिए ना, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 15 × 5 = 75, 750 रुपया का क्या हो गया? लाभ हो गया। और दूसरे पर हानि हुआ 15% का, तो हानि कितना हुआ? 5,000 का 15% हानियों हुआ है, यानी 750 के हानि हुआ, 750 हानि और 750 लाभ। बताइए, कोई व्यापार में जितना लाभ उतना ही हानि, इसका मतलब हुआ कि न तो लाभे हुआ इस व्यापार में, न हानि हुआ, पूरे ऑल ओवर की बात करें तो। आइए दोस्तों, अगला सवाल हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि कैटरीना ने, अच्छा अनारकली के बाद कैटरीना है इसमें, कैटरीना ने 2 घड़ी 1,350 रुपया प्रति घड़ी के दर से खरीदी। वह इनमें से 1 घड़ी को 7.5% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 6% हानि पर बेचती है, तो बताएं कि उसे उस सौदे में प्राप्त लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा? आपके दिमाग में आता रहा होगा कि हाँ, अगर सेम चेंज नहीं रहेगा तब, तो वही सवाल ही वाला है। सवाल कहता है कि 1,350 रुपया प्रति घड़ी के दर से 2 घड़ी खरीदती है, इनमें से 1 को 7.5% लाभ पर बेचती है और दूसरा को 6% हानि पर बेचती है। ये हानि है जबकि एक है लाभ, और दोनों को 1,350 रुपया के दर से खरीदा गया है 2 घड़ी, पहला घड़ी भी 1,350 में और दूसरा घड़ी भी 1,350 में, इसका ही मतलब है। एक को बेचा गया 7.5% लाभ पर और दूसरा को बेचा गया है भैया 6% हानि पर, तब पूरे व्यापार में लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा, ये पूछा है। देखिए, बनाने का एक नॉर्मल तरीका, आप इसका 7.5% निकालेंगे, लाभ कै रुपया हो गया ये पता चल जाएगा। अच्छा, अगर इसी का यानी 1,350 का 6% हानि निकालिएगा, हानि भी पता चल जाएगा, यानी लाभ हानि पता हो गया, दोनों का अंतर कर लीजिए, वो टोटल लाभ निकल जाएगा, चूंकि लाभ ज़्यादा है हानि कम है,
लाभ निकलेगा। अब वो लाभ कितना पर, 1350 यानी 2700 पर, तो लाभ बटा 2700 गुना 100 कर दोगे तो भी हो जाएगा। अब उसका इतना जो झंझट करेंगे उसे हम बड़ा शॉर्टकट आपको तरीका बताते हैं क्या करना है। ये लाभ है, ये हानि है, दोनों वस्तु का क्रयमूल समान है ना, तब ऐसा करिएगा। समान नहीं रहता तब ऐसा करते जैसा अभी मैंने बोल के बताया आपको। 7.5% और 6% को घटा लीजिए, कितना आ जाता है 1.5% ना, 1.5% प्लस में, यानी कि व्यापार में लाभ होने वाला है। अब आप इस 1.5% को 2 से भाग लगाइए, काहे कि 2 वस्तु का चर्चा हुआ है, आपको पता चल जाएगा 0.75% का ही लाभ होने वाला है इस व्यापार में। बड़ा सिंपल और शॉर्टकट तरीका है हमारा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वो विधाता आदमी बना के पछताता, बउआ अगला सवाल हमारा होगा तीसरा। सवाल क्या कहता है, सवाल का ये कहना है कि व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 के दर से बेची, उनमें से एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ, तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। सवाल का ये कहना है कि एक व्यापारी जो कि 10,000 रुपये प्रत्येक के दर से बेचा है, यानी 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, SP1 और SP2 समान है, यानी पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% हानि पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा है, तो पूरे सौदा में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। सुनिएगा, पूरा सौदा में लाभ हानि का प्रतिशत पूछा है ना, तो सुन लीजिए, जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान और सेम चेंज होगा तो हमेशा लॉस होगा। लॉस बराबर फॉर्मूला भी बताया था मैंने, लॉस बराबर एक्स स्क्वायर बटा 100% होगा। दोस्तों ध्यान देना, x के जगह क्या होना चाहिए, 20, तो 20 का स्क्वायर और बटा 100, यहाँ प्रतिशत में लिख देंगे, 20 का स्क्वायर 400, और 400 को 100 से काटेंगे, 4 बार में कटेंगे, यानी कि 4% का हानि हो रहा है इस व्यापार में। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमारा चौथा, और ये सवाल भी हो जाएगा। कहता है एक आदमी ने 2 मकान बेचे, प्रत्येक 96,000 रुपये में, पहले मकान की बिक्री में उसे 20% लाभ और दूसरे के बिक्री में 20% हानि हुई, कुल मिलाकर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। वैसा ही सवाल है, इसमें भी 4% हानि आएगा क्योंकि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और सेम चेंज है, तो ऑलवेज लॉस होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं पांचवा सवाल। कहता है सवाल कि मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, उसने एक घोड़ा को 15% लाभ पर बेचा किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा, यदि उसे पूरे सौदे पर 3600 की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सवाल का ये कहना है कि मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक के दर से 2 घोड़ा खरीदा, यानी दोनों घोड़ा का, पहला घोड़ा भी खरीदा उसने 40,000 में ही और दूसरे घोड़ा को भी उसने खरीदा है 40,000 में ही। अच्छा, ये दोनों का CP है भैया, ये दोनों का क्या है, CP है। अब सवाल हमें ये कहता है उसने एक घोड़ा को 15% लाभ पर और दूसरे को बेचा है कुछ हानि पर, दूसरे घोड़ा को हानि पर बेचा, लेकिन कितना हानि पर ये नहीं दिया है, यानी सेम चेंज वाला सवाल नहीं है। अब कहता है पूरे सौदा पर उसे 3600 की हानि हुआ। अब बताइए, एक पर तो उसने 15% लाभ कमाया जबकि पूरे सौदा पर 3600 की हानि हो गया, इसका पक्का मतलब है कि हानि पर बहुत ज़्यादा हानि में बेचा गया होगा, क्योंकि लाभ कमाने के बाद भी 3600 का हानि हुआ। उसने लाभ कमाया पहले घोड़ा पर 15%, तो लाभ कितना, तो भैया 40,000 का 15% लाभ हुआ है। प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 15 चौके 60 और 2 जीरो और, यानी कि 6,000 रुपया हुआ। 15 चौके 60 और 2, यानी कि 6,000 रुपया का लाभ हुआ है। अच्छा, 6,000 लाभ कमाने के बाद भी 3600 के हानि हो गया है,
पूरे व्यापार में 3600 के हानि। केवल हानि 3600 ऐसे नहीं हुआ है, पूरा सौदा में 3600 का हानि हुआ है। इसका मतलब दूसरा पर जो हानि हुआ वो हानि रहा होगा ये 6000 से 3600 ज़्यादा, 6000 से 3600 ज़्यादा रहा होगा, यानी कि 9600 के हानि हुआ होगा टोटल। नहीं समझे, आप ही बताइए। अगर आप एक पर 6000 के लाभ कमा लेते हैं, अब ये लाभ हो गया आपको 6000 का एक पर, तो लाभ मिला क्योंकि 15% लाभ मिला है पहला घोड़ा। अब दूसरे पर 9600 के हानि हो गया, अब बताइए कि आपको व्यापार में क्या होगा। अगर 6000 लाभ हो एक बार, एक बार 9600 का हानि हो दूसरे वस्तु पर, तो 3600 की हानि हुआ कि नहीं व्यापार में। इसलिए हमने क्या किया कि 6000 जो लाभ था उसमें 3600 हानि जोड़ दिया, क्योंकि पूरे सौदा में 3600 हानि हुआ था। हमको निकल गया कि दूसरे घोड़ा पर रियल में 9600 का हानि हुआ है। अब सवाल हमें यह कहता है तो बताइए कि दूसरे घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों हमें तो निकालना है, सवाल में कहता है दूसरे घोड़ा का विक्रय मूल्य यानी दूसरा एसपी बताना है। तो बताइए कि 40,000 दोनों घोड़ा को 40,000 रुपये के दर से ही खरीदा गया है। यहाँ पर कहता है कि 40,000 में खरीदे थे दूसरा को भी, 9600 का हानि हुआ है। इसका मतलब ये है कि 9600 कम में हम बेचे हैं, 9600 का हानि हुआ है, यानी कि 9600 इसमें से हम घटा देते हैं, 9600 हानि जो हुआ उसको घटा देते हैं। खरीद ले थे 40,000 में, 9600 हानि हुआ तो कितना में बेचे, 0 0, 10 में से 6 गया 4, अब ये बच गया आपका 9 में से 9 0, ये 3, यानी कि 30,400 में ही बेच दिया गया था उसको, है ना। 40,000 के चीज़ को 30,400 में बेच देंगे तो हानि हो ही जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं समय को न गंवाते हुए टाइप चार को। तो टाइप चार में हमारा जो आज का सवाल है वो पहला सवाल क्या कहता है देखिएगा, लाभ हानि का। कहता है कि हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को दिया तथा मंगलू 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दे दिया। लाल बाबू उस वस्तु को 225 रुपया में खरीदता है, तो बताए कि हरे राम उस वस्तु को कितने में खरीदा था। सवाल का ये कहना है कि हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को दे दिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हरे राम मंगलू को दे दिया, मंगलू लाल बाबू को दे दिया। अब कहता है कि इसे लास्ट में लाल बाबू उस वस्तु को 225 रुपया में खरीदता है। लाल बाबू ने खरीदा है 225 रुपया में, तो सवाल कहता है कि हरे राम कितना में खरीदा था ये बताइए। सुनिएगा क्या हुआ है, हरे राम जो है मंगलू को 20% लाभ लेकर दिया और मंगलू जो है 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दिया। अब हमें लास्ट में पूछा है कि एक बात बता दीजिए कि हरे राम उस वस्तु को कितने में खरीदा था। बात पीछे का जानना है कि आगे का, पीछे का, तो पीछे जाना है। अब बताइए आपको पीछे जाना है तो कैसे जाइएगा, उल्टा ना जाइएगा घूम के, उल्टा जाना होगा। यानी क्या करना है, इसका होल वैल्यू निकाल के उलट के गुना कर देना है। अगर केवल इसका उल्टा गुना करिएगा तो यहाँ आइएगा, मंगलू का दाम निकल जाएगा कि मंगलू कितना में खरीदा था, फिर इसका भी उल्टा गुना करेंगे तो हरे राम के पास आ जाएंगे। दोस्तों क्या करना है, 20% का मान होता है 1/5, लाभ है तो जोड़िए 6/5 हुआ ये होल वैल्यू। सुनिएगा, 25% का मान होता है 1/4, लाभ है तो जोड़िए 4 में 1 5 5/4। आपको लास्ट वाला का पता है क्रय मूल्य 225, सबसे शुरू वाला के यहाँ आना है, पीछे जाना है यानी उल्टा जाना पड़ेगा। इसको उलट के गुना करिए, 4 ऊपर 5 नीचे, इसको भी उलट के गुना करिए, 5 ऊपर 6 नीचे, ये 5 ऊपर गया 6 नीचे। पीछे जाना है तो उल्टा गुना, और आगे जाना होता मतलब इसका पता होता यहाँ जाना होता तो सीधा सीधा गुना करते। आइए अगर हम काटे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 दो 7, 7 दो 9 कट जाएगा 6 से, तो 6 से काटेंगे, 6 से 36 18 4। अगर इसको काटते हैं 6 का आधा कर लेते हैं हम 3 3 से काटिए, 3 5 दो 7, 7 दो 9, 6 से नहीं कटेगा तो 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, आई 3 सते 21, 3 पचे 15। अब चलिए 2 से 4 को काट सकते हैं,
दो बार में 75 दूना 150। चलिए दोस्तों, ये हमारा 150 रुपया हो जाएगा। किसका? ये हरे राम का। हरे राम का क्रयमूल कितना हो गया? 150 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, प्रश्न संख्या 2 कहता क्या है, देखिएगा। ए अपनी साइकिल 30% लाभ पर बी के हाथे बेच दिया तथा बी इसे 20% हानि पर सी के हाथे बेच दिया। अब कहता है अगर सी इसे 520 रुपया में खरीदता है तो बताएं कि ए इसे कितना में खरीदा था। ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को। ध्यान दीजिएगा, ए अपनी साइकिल क्या किया कि 30% लाभ पर बी के हाथे बेच दिया, और बी क्या किया है, बी 20% हानि पर सी के हाथे बेच दिया है, और सी 520 रुपया में खरीदा है। सी खरीदा है कितना में? 520 में। तो पूछता है ए इसे कितना में खरीदा था। बात ए का पूछा है, पीछे जाना है, उल्टा गुना। कैसे? सुनिए, अब 30% का मान होता है 3/10, लाभ है तो जोड़िए 13/10 हुआ। सुनिए, 20% का मान होता है कितना? 20% का मान 1/5, हानि है तो घटाइए 4/5। अब आपको क्या करना है, 520 में उलट के गुना करना है। ये 5 ऊपर 4 नीचे, इसको उलट के गुना करना है, 10 ऊपर 13 नीचे, यानी पीछे जाना है तो उल्टा गुना हमारा निकल जाएगा ए का। देखिए 13 चौका 52 से 52 कट गया 10 बार में। चलिए अब ये हो गया आपका 5/2 0 और, यानी कि 500 रुपया ए का क्रयमूल हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप आसानी से समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में। आइए दोस्तों, अगला सवाल हमारा तीसरा होगा, और तीसरा क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को डी को 20% लाभ से, सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने इसके लिए 330 रुपये दिए हों तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। देखिए डी तक गए हैं और ए का पूछा है, बात पीछे का ना, पीछे जाना है तो उल्टा जाना होगा, यानी उल्टा गुना करना होगा। ए किसी वस्तु को बी के हाथे 25% लाभ लेकर, अच्छा सब जगह लाभ ही है, ये 25% लाभ, उसके बाद बी क्या किया, सी के हाथे बेच दिया और उसने 20% लाभ। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक डी लिखा गया है जबकि बी के बाद यहाँ सी होगा, ए के बाद बी दिया सी को, अब सी देगा डी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक है सवाल में, उसे आप समझ लीजिएगा। ए किसी वस्तु को बी को दिया है 25% पर, और बी 20% लाभ लेकर सी के हाथे, और सी उसी वस्तु को डी के हाथे बेच दिया है 10% लाभ पर, और कितना में दे दिया है, डी को दिया है, डी ने खरीदा है इसे 330 रुपया में। चलिए सवाल को ठीक कर लीजिएगा, एक जगह शुरू में ही ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी होगा, ऐसे होगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सब जगह लाभ ही है। दोस्तों हमें यहाँ आना है, आप जानते हैं 25% का मान कितना, 1/4, अब लाभ है तो जोड़ देंगे 5/4 होल वैल्यू निकाल लिए, 20% का मान 1/5 इसको जोड़ देंगे तो 6/5 हो जाएगा, 10% का मान 1/10 इसको जोड़ देंगे तो 11/10। अब आइए उस 330 रुपया का क्या करना है हमें, इसमें उल्टा गुना कर देंगे, इसका इसका इसका, यानी 10/11, फिर ये 5/6 उलट के, चलिए ऊपर 4 5 नीचे, ऐसे अब हमारा निकल जाएगा ए कितना में खरीदा था, ये पता चल जाएगा, 11 3 33, 30 बार में, अच्छा 6 5 30 से 30 कट जाएगा, 5 2 20 हुआ, 10 और, यानी कि ए तो इसे 200 में ही खरीदा था, जबकि ए 200 में खरीदा, 25% लेकर बी को दिया, बी 20% लाभ लेकर सी को दिया, सी 10% लाभ लेकर डी को दिया, इसलिए दाम उसका 330 हो गया था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के हर सवाल आपसे बन जाएगा, और हम चाहते हैं कि अब अगले सवाल पर चलें। चलिए अब देख लेते हैं टाइप 5 को। हमारा पहला सवाल है टाइप 5 में, कहता है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया से बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है, उस वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल है।
कहता है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया से बढ़ा दिया जाता है, यानी उसके विक्रय मूल्य में 71 रुपया की वृद्धि हुआ है, तो लाभ पे 25% की वृद्धि हुआ। ये दोनों जगह वृद्धि है, एक तो अमाउंट में वृद्धि है और इधर प्रतिशत में वृद्धि है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रहा है जबकि 71 रुपया की वृद्धि हो रहा है। तो ये दोनों वृद्धि है, यानी कि 71 रुपया बढ़ाने से ही 25% बढ़ा है, यानी उस वस्तु के 25% का दाम 71 रुपया है। अब आप 100% का मान निकाल दीजिए तो टोटल मूल्य हो जाएगा। तो 71/25 और प्रतिशत के लिए, सॉरी 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना, 25 चौका 100, चलिए 4 और 7 चौके 28, 284 रुपया हो गया इसका दाम, उस वस्तु का क्रयमूल हो गया 284 रुपया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कहता है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपये से घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत 0.25% से बढ़ जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया से घटा दी जाती है, देखिएगा 65 रुपया से घटा दिया गया है तो हानि 0.25 रुपये बढ़ जाती है, प्रतिशत बढ़ जाती है। अच्छा देखिए, हानि बढ़ने का मतलब, देखिए इधर मूल्य घटा है, मूल्य घटा हानि बढ़ा, आपको लग रहा है कि ये अलग अलग बात है, नहीं। अगर यहां पर मूल्य घटा हानि बढ़ा, हानि बढ़ने का मतलब होता है और घटा होना, हाँ ये कमी हुआ, ध्यान दीजिएगा, यानी इधर 65 की कमी, इधर इतना की कमी, तो दोनों कमी है इसलिए आपस में हुआ बराबर। अब क्या करना है हमें, 100% का मान निकालना, तो उसका कुल मूल्य हो जाएगा 65/0.25 गुना हो जाएगा हमारा 100। चलिए ऊपर हो गया 65, 100 बट्टा में कितना 25 गुना हो गया कितना 100, कहाँ से दशमलव हटाए, ऊपर 2 जीरो दे दिए, आइए 25 चौका 100 काट दिया, 00 तो हो गया 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 2 26, 00 5 चौके 20, 2 6 चौके 24 और 2 26, यानी 26,000 हो गया, पहला ऑप्शन आपका इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपया की कमी कर देने पर लाभ में 15% की कमी हो जाती है, बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपया की कमी कर देने पर लाभ में 15% कमी हुआ, इधर 53 रुपया की कमी, इधर 15% की कमी, ये दोनों कमी है तो आपस में बराबर, दोनों वृद्धि रहता तब आपस में बराबर। ध्यान दीजिएगा, अब 100% का मान निकालेंगे, उस वस्तु का कीमत हो जाएगा 53/15 गुना हो जाएगा 100, 5 से काटा तो 20 बार में, 5 से काटा तो 3 बार में, ऊपर हो गया 0, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 1060/3 भाग लगा देते हैं, 3 तियाई 9 से 1 1/6 16, 3 5 15, अब 3 तियाई 9 यानी 353.33 रुपये हो जाएगा, 353.33 ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को दोस्तों। अगला सवाल हमारा 5वां प्रश्न का कहना है, यदि मनीषा 36 वस्तु खरीदती है, 30 वस्तुएं बेचती है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। 36 वस्तु खरीदती है, 30 वस्तु बेचती है तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहता है कि 36 वस्तु खरीदती है, पीछे भी ऐसा सवाल पड़ चुके हैं, और 30 वस्तु बेचती है, इसमें रुपया का चर्चा नहीं ना हुआ है कि कितना रुपया है, रुपया नहीं है तो भाव का केस है। अब भाव के केस में प्रतिशत लाभ चाहे हानि हमेशा एसपी पर निकलता है, सीपी पर नहीं, सुनिएगा। अब इसमें रुपया का चर्चा नहीं है तो सोचना आपको ऐसे है कि जितना रुपया में 36 वस्तु खरीदा गया होगा उतना में 30 वस्तु ही बेचा गया होगा, तो 6 वस्तु बच गया ना, वही लाभ हो गया आपका, यानी कि लाभ जो हुआ भैया वो 6 वस्तु का। अब आपको अगर प्रतिशत लाभ बताना है तो लाभ बट्टा में लाना है एसपी या प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अच्छा ये हमेशा भाव के केस में ही फॉर्मूला लगता है, रुपया वाला रहता तो बट्टा में सीपी होता, ध्यान दीजिएगा। तो लाभ 6 वस्तु का 30 पर, प्रतिशत के लिए
100% से गुना, 6×5 = 30, 5 से काटा 20 बार में, यानी 20% का लाभ हुआ इस व्यापार में। आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा छठा, कहता है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 12.5% लाभ प्राप्त होता है, बताएं कि 2 गुना% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितना किस मूल्य पर बेचा जाए। किसी वस्तु को 900 में बेचने पर 12.5% लाभ प्राप्त होता है, बताएं कि 2 गुना% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना मूल्य पर बेचा जाए। 900 रुपया में बेचने पर 12.5% का लाभ हुआ है, जानते हैं 12.5% का क्या हुआ है लाभ। सवाल कहता है कि 2 गुना% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, 12.5% का मान 1/8 होता है, इसको जोड़ लीजिए तो 9/8। जोड़ना क्यों है, क्योंकि लाभ है, 8 में 1 जोड़े 9/8। इस होल वैल्यू निकालिए, मैंने 12.5% लाभ का होल वैल्यू निकाला, इसको 8 ऊपर 9 नीचे उल्टा लिख कर गुना कर दिया, अब उस वस्तु का ये क्रय मूल्य हो गया। ये पूरा क्या कहलाएगा, अब क्रय मूल्य। अब सवाल कहता है कितना में बेचे कि इससे 2 गुना% लाभ हो। 2 गुना लाभ कमाने का मतलब है कि 25% लाभ कमाना चाह रहे हैं आप, तो 25% लाभ होना चाहिए, तो इसको 125% पर बेचना होगा। ये हमारा क्रय मूल्य है, यानी 125% इसका विक्रय मूल्य होगा, अगर आप 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो। अब देखिए, ये आप 125% का वैल्यू जो लिखेंगे, 25% का मान 1/4 होता है, जोड़ के तो 5/4, यानी 125% के वैल्यू आप यहाँ 5/4 लिख सकते हैं, बस वही बात है, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा। 9 से इसको काटेंगे 100 बार में, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, ऊपर 5 × 2 = 10 हुआ, और ये 2 जीरो और आ गया, यानी कि हो गया हमारा 1000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इस सवाल को हम दूसरे तरीका से भी बना कर देख लेते हैं, बना देते हैं दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड इसका। कहता है किसी वस्तु को 900 में बेचने पर 12.5% लाभ हुआ, यानी ये 900 विक्रय मूल्य जो होगा 100 12% के बराबर होगा। यहाँ पर 12.5% तो आप लाभ ही कमा रहे हैं, वस्तु का दाम 100% होता है, यानी आपने बेचा है इसे 112.5, यानी 112% पर बेचा गया। अब बेचा गया है कितना में, 900 में। अब सवाल कहता है कि 2 गुना% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। 2 गुना% लाभ कमाना है, यानी कि आप 25% लाभ कमाना चाहते हैं, पहले 12.5%, इसका 2 गुना होगा 25, और 25% लाभ कमाने के लिए आपको 125% पर सामान बेचना होगा, यानी हमें चाहिए 125% का वैल्यू। तो क्या करना है, 900 / 112 और गुना, हमें 125 का मान निकालना है, तो 125 से। अब चलिए, ये दशमलव उड़ा दिए तो 1 जीरो हो गया, 125 से इसको हम 9 बार में काट सकते हैं, और 9 से 9000 को हम 1000 बार में काट सकते हैं, यानी 1000 हमारा ऐसे भी हो गया। तो आप दोनों तरीका से इस सवाल को बना सकते थे, और आपने यहाँ देख भी लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 7 नंबर प्रश्न संख्या 7 कहता है, एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 570 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5.3% का लाभ प्राप्त होता है, घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया है, कहता है कि 13.7% हानि पर बेचा गया है, हानि पर बेचा गया है। अब कहता है यदि विक्रय मूल्य 570 रुपया बढ़ा दिया जाता तब 5.3% का क्या होता, लाभ होता, 5.3% का लाभ होता। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य बढ़ा दिया है 570, यानी पहले का विक्रय मूल्य और बाद के विक्रय मूल्य का अंतर है 570 रुपया का। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पहले 13.7% हानि पर एक घोड़ा को बेचा जाता है, अब विक्रय मूल्य 570 बढ़ा दिया गया, यानी अब दाम उसका बढ़ा दिया गया है, तो 5.3% लाभ होता है। आप पिछला सवाल जैसे भी बना सकते हैं, इतना प्रतिशत हानि पर बेचने का मतलब ये होता है कि भैया, यानी 100% से इतना घटा कर बेचा गया। तो ये में इसमें क्या करना है कि इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, आपको देखना है कभी क्या करेगा कि दोनों बार हानि रह सकता है, इतना प्रतिशत हानि पर बेचा फिर इतना प्रतिशत हानि पर बेच सकता है, या दोनों जगह लाभ हो सकता है, दोनों जगह हानि हो सकता है, या एक बार लाभ एक बार हानि हो सकता है। इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए 13.7% हानि पर बेचा गया, अब विक्रय मूल्य जब बढ़ा दिए 570 रुपया,
यानी ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 570। पहले जितना में बिकता था और अब जितना में बिक रहा है उसमें अंतर है ये 570 का। तब कहता है 5.3% लाभ। देखिएगा लाभ हानि रहेगा तो इसको जोड़ लीजिएगा, हानि लाभ रहेगा तो भी जोड़िएगा, यानी दोनों दो तरह का हो तो जोड़ लेना है और एक ही तरह का है तो इसको घटा के लिखना है। इसको जोड़ते हैं तो 19% हो जाता है। 19% के बराबर में लिखिएगा यही विक्रय मूल्य का जो अंतर रहेगा। अब आपको 100% का मान निकालना है क्योंकि कीमत उसका टोटल निकालना है। तो लीजिए 570/19 अगुना हमारा 100, 19 × 57 30 बार में 3000 हो जाएगा उस वस्तु का कीमत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अगर पिछला सवाल समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इस सवाल को देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 8 कहता है 600 रुपये में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। अगर वह इसे 675 रुपया में बेचता तो उसे पूर्व हानि से दुगुना लाभ होता। बताएं कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। कहता है 600 में बेचने से कुछ हानि होता है। मान लीजिए कि 600 रुपया में बेचने से एक्स का हानि होता है, जैसे पिछला बार कुछ प्रतिशत हानि था। फिर कहता है कि 675 में बेचने से उस हानि का दुगुना लाभ होता है। अगर हानि एक्स माने हैं तो दुगुना लाभ यानी 2x लाभ होता है। मैंने क्या किया था, लाभ हानि के बारे में सोचा था कि दो रंग है तो जोड़ देना है, एक रंग तो घटा देना है। तो हानि या लाभ है तो जोड़ लीजिए, 3x लिखिए, और बराबर में क्या लिखना है, विक्रय मूल्य का अंतर। जैसे उस बार मैंने लिखा था SP1 और SP2 लिखा था, SP1 और SP2 का अंतर लिखा था इसके बराबर, उसी तरह। तो ये पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य है, तो इसका अंतर कितना हुआ 75 का। चलिए, मतलब हमेशा ये अंतर विक्रय मूल्य का अंतर रहना चाहिए। इसको 75 लिखा, 3 से काटा, 25 बार में एक्स की वैल्यू 25 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि हानि हुआ है, एक्स हमने हानि माना है ना, 25 रुपया की हानि हुआ है। 600 में बेचने से 25 का हानि, मतलब खरीदा रहा होगा 625 में, तो ये 25 जोड़ लीजिए। 600 में बेचने पर एक्स की हानि, मतलब 25 की हानि, यानी उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 625 रहा होगा। अब 625 के समान 600 में बेचिएगा तो 25 के हानि नहीं होगा। और दूसरे जगह से, पहला जगह से क्रय मूल्य निकाल दिया, दूसरे जगह से भी क्रय मूल्य निकाल सकते। देखिए 675 में बेचने से 2x लाभ हुआ है, 675 में बेचने से 2x लाभ। एगो एक्स का वैल्यू 25 है तो दूगो एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, 50, 25 × 50। इतना में बेचने से इतना लाभ है तो 50 कम में ना खरीदे होंगे, लाभ है 50, 50 घटा लीजिए फिर 625 आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा क्रय मूल्य। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और बचा है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 465 में बेचने पर हानि होती है। बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। किसी वस्तु को 535 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 465 में बेचने से हानि। कहता है कि 535 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 465 में बेचने से हानि। तो कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी आपको मिले ना कि इतना में बेचने से उतना ही लाभ जितना कि इतना में बेचने से हानि, उतना ही लाभ जितना हानि, तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर दो से भाग लगा देना है। वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया, हुआ ऊपर में 1000/2, हमारा आंसर हो गया 500 रुपये। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए आगे दिखाते हैं। आइए इसी सवाल को उस तरीके से भी देख लेते हैं जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। 500 हो गया है इसका आंसर, देखिए कैसे। अब मान लीजिए कि सवाल में है कि 535 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 465 में बेचने से हानि। तब मान लेते हैं कि 535 में बेचने से एक्स का लाभ होता है तो 465 में बेचने से उतना ही हानि, यानी एक्स का हानि होता होगा। अब आपको मैंने कहा कि इधर तो लाभ हानि का देखना है, दो रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के लाभ हानि है, तो इसको जोड़ लीजिए 2x, बराबर में क्या लिखना है, विक्रय मूल्य का अंतर। अब इसका अंतर कितना का हो जाएगा, 70 का। इसका अंतर हो जाएगा 70 का, तो अंतर 70 यहाँ लिख दीजिए और दो से 70 को काट लीजिए तो 35 बार में कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 35। अब समझिएगा, 535 में बेचने से एक्स लाभ हुआ माने 35 लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य कितना, एक्स का लाभ है यहाँ यानी 35 का लाभ है,
तो 535 में बेचे हैं तो 35 रुपया लाभ है, तब 35 घटा लेते हैं, यानी ये 35 घटा लेते हैं क्योंकि 35 लाभ हुआ है ना, तो यानी कि 500 हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। इससे भी देख लीजिए दूसरे से, 465 में बेचने से x की हानि हुआ है, x का वैल्यू कितना है 35, यानी 465 में बेचने से 35 हानि हुआ, तो ये 35 जोड़ दीजिए ना, फिर 500 हो जाएगा क्रय मूल्य। या ऐसे सवाल में जब भी कहता है कि उतना ही लाभ जितना की हानि, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर दूसरे भाग दे देना है, आराम से आपको निकल। और चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ये 5वां क्लास होगा। और आज का जो टाइप है सवाल का, बहुत ही खतरनाक टाइप है, और ये सवाल बनाने में विद्यार्थियों को बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोगों को तो समझ में आता ही नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये टाइप का कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल, बहुत ही खतरनाक सवाल आपके सामने, कहता है कि मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदती है तथा 5 रुपये कम में बेचती है तो उसे 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप चाहते हैं बहुत अच्छा से इसको समझना सीखना, एकदम डीपली भी और फिर इसका शॉर्ट रूल से भी, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, केवल भागिएगा नहीं, क्योंकि आज के बाद आपको कभी परेशानी नहीं करेगा ये सवाल, कभी परेशान नहीं करेगा आपको, ये परेशानी आज ख़त्म हो जाएगी। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है कि मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, कितना में बेचती है ये नहीं पता है, कहता है कि 20% लाभ पर बेचती है। अब कहता है यदि वही से 20% कम में खरीदती, यानी जितना में वो खरीद के लाई थी मनीषा, उससे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपये कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता। अब कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्रय मूल्य ज्ञात करना है, पहले आपको हम प्रोसेस से समझाते हैं, उसके बाद इसका हम शॉर्टकट रूल अपनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एक बात, इस पूरे सवाल में कहीं रियल में रुपया दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, 5 रुपया का चर्चा हुआ है ना, तो इस बार हम एक्स मानेंगे, CPX मानेंगे, क्रय मूल्य पूछा है ना, तो क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे, तो क्रय मूल्य 1 रुपया माना, बहुत ही इत्मीनान से। उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, वीडियो नहीं भगाइएगा, सब कुछ देखना जरूरी है आपके लिए, 1 रुपया माना। अब सवाल कहता है कि 20% लाभ पर बेचती है, शुरू में बोला है मनीषा कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचती है, तो भैया विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% लाभ पर बेचने का मतलब इसका 120% पर बेचना, यानी एक्स का 120% हो जाएगा विक्रय मूल्य। 120% का वैल्यू 6/5 होता है, 6/5 से इसने गुना, यानी कि 6x/5 रुपया, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये पहला विक्रय मूल्य हुआ, आगे फिर विक्रय मूल्य आने वाला है। अब सवाल ये कहता है कि यदि 5 रुपये कम में बेचती, हाँ एक बात, यदि वह इसे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपये कम में बेचती तब 25% का लाभ होता। अगर 20% कम में खरीदती, पहले एक्स में खरीदा हुआ था, अब 20% कम में खरीदने का मतलब ये है, कम में खरीदने का मतलब कि न्यू वाला CP पूछ रहा है, न्यू वाला CP कह रहा है, नया CP सुनिएगा, इससे 20% कम में खरीदा होता, यानी एक्स का 80% देकर खरीद लिया जाता, अब 80% का वैल्यू होता है 4/5, 4 से गुना करिए इसमें, 4x/5 रुपया, ये हो गया भैया नया CP, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है जानते हैं, कहता है कि अगर 5 रुपया कम में बेचता तब भी 20% का लाभ होता, यानी इतना में खरीद कर लाया है ना, 20% लाभ होगा 5 रुपया कम में बेचने पर, 5 रुपया कम में बेचा जाएगा तो कितना का लाभ होगा 25% का, यानी अब वाला जो SP होगा, यानी दूसरा SP जो होगा, SP2 जो होगा, ई वाला क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाएगा। 25% लाभ कमाने का मतलब इतना का 125% पर बेचा जाएगा, यही बात ना, तो ये देखिए क्या हो जाता है, 5/4 इसका वैल्यू आएगा, अब ये 4x/5 इसका वैल्यू आएगा 5/4, चलिए क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, काट के देखिए, अब ये 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, बचा x, यानी 1 रुपया ही क्या निकल कर आया जानते हैं दोस्तों, दूसरा विक्रय मूल्य आया। अच्छा
और सवाल में एक जगह जो रुपया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है जान लीजिए। सवाल कहता है 5 रुपया में कम में बेचता अब, यानी पहले जितना में बेचता था उससे 5 कम में बेचने के लिए कह रहा है। इसका मतलब कि पहले के विक्रय मूल से अब का विक्रय मूल 5 रुपया कम होने के लिए कहा, यानी इन दोनों विक्रय मूल का अंतर है 5 रुपया का। तो भैया ये कम है आई ज़्यादा बोला है, तो ज़्यादा वाला है आइए पाद वाला विक्रय मूल है, इसका अंतर बोला है कि 5 रुपया का है, क्योंकि बोला 5 रुपया कम पर बेचता, इसका मतलब पहले के विक्रय मूल और अब के विक्रय मूल में 5 रुपया का अंतर। ये 5x में से 5x घटेगा 6x में से 1x बट्टा 5 होगा, अब बराबर ये 5 रुपया। अब लीजिए x की वैल्यू कितना हो गया 25। x आपने क्या माना था, उस वस्तु का क्रय मूल माना था, यानी 25 रुपया हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं इसे कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं, तो आइए इसी को शॉर्टकट बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस सवाल को शॉर्टकट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कहता है कि मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, 20% लाभ पर बेचती है, यानी देखिए कोई भी वस्तु का अपना जो कीमत होता है वो तो 100% होता है, अपना कीमत कितना होता है उसका 100% होता है, यानी वो क्रय मूल 100% है। अच्छा 100% का मान 1 होता है, ये बात को भी आप जान लीजिएगा। 100% परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, 100 से 100 काटिएगा तो 1 होगा, यानी कि 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में भिन्न में एक ही होता है, यानी एक जो होता है प्रतिशत में 100% के बराबर होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब सवाल ये कहता है कि वह जो है 20% लाभ पर बेचती, यानी उसका विक्रय मूल जो होता 120%, यानी 100% सामान का दाम था, 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120% में बेचना, ये पहला SP हो गया। अब सवाल कहता है कि अगर 20% कम में खरीदती 5 रुपये कम में बेचती तो भी 25% का लाभ होता, 20% कम में खरीदती यानी 100% में खरीदा हुआ था, ये 100% उसका दाम हुआ क्रय मूल है, अगर 20% कम में खरीदती इसका मतलब 80% पर खरीद के लाती, तब भी कहता है कि 5 रुपया कम में बेचती फिर भी 25% का लाभ होता, यानी अब जो विक्रय मूल होगा इस पर 25% लाभ कमाएगा, यानी इसका 125% लेकर बेचा जाएगा। ये हो गया दूसरा SP, यानी SP2 हो गया। दोस्तों करना क्या है, ये हमारा है 4/5 और ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। अब 4 से 4 कटा 5 से 5 तो 1 × 1 यानी 1 हुआ, ये हुआ अब का विक्रय मूल, आइए 120% का वैल्यू कितना हुआ 6/5, ये हो गया पहले का विक्रय मूल, और पहले के विक्रय मूल से अब का विक्रय मूल में अंतर बोला है 5 रुपया का, इन दोनों का अंतर बराबर 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा 5, 6 में से 5 गया 1/5 बराबर 5, 1 बराबर हो गया 25 रुपया। दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते थे, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक दो सवाल और करने का कोशिश करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, और इस टाइप के सवाल को इतना तो मेहनत कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सवाल खुद देख लीजिए, और भागने से समस्या का समाधान नहीं होगा, आपको इसे डट के सामना करना होगा और सीखना होगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है ज़रा देखिएगा। प्रश्न का कहना है एक व्यक्ति ने एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, मेज का क्रय मूल कितना है। सवाल का ये कहना है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है, चलिए उस वस्तु का जो क्रय मूल होगा वो 100% तो उसका मूल्य होगा ही, 100% तो उसका क्रय मूल होगा ही, उसका मूल्य 100%। सवाल कहता है कि 10% के लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचने का मतलब इतना का 110% विक्रय मूल हो जाएगा, 100% खरीदारी है क्रय मूल है, 10% लाभ पर बेचने का मतलब 110% पर बेचना। आगे सवाल कहता है कि अगर इसे 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता, 5% कम में खरीदने का मतलब इसको 95% पर खरीद के ले आता, ये क्रय मूल हो जाता नया वाला, और इस पर भी 20% लाभ कमाता 80 रुपया अधिक में बेचता। इस पर 20% लाभ कमाने का मतलब इतना का 120% विक्रय मूल होगा, ठीक है। अब ये वाला पूरा विक्रय मूल हुआ और ये पहले वाला विक्रय मूल हुआ,
इन दोनों का अंतर ही तो 80 रुपया बोला है। तो दोस्तों ये हो गया आपका कितना 19/20 और ये कितना हो गया 6/5 और देखिए माइनस ये हो गया 11/10 110% का वैल्यू। इस विक्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य में अंतर बोला है 80 रुपया का, क्योंकि 80 रुपया अधिक में बेच रहा है। अब ये 20 × 100 और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 20 × 5 = 100, 19 × 6 = 14 से और 10, अच्छा 100 और 10 का एलसीएम हुआ हमारा 100, ये तो हुआ 100, तो 19 × 6 = 114 माइनस 10 से कटा 10 बार में तो 11 × 10 = 80। ऊपर हो गया हमारा 4, नीचे हो गया एलसीएम 100 था बराबर 80 हो गया, 4 से इसको हम काट सकते हैं 20 बार में, इधर कुछ नहीं तो 1, तो 1 बराबर ये 100 जाकर उधर गुना हुआ तो 2000। दोस्तों इस वस्तु का टोटल वैल्यू यानी 100% का मान 1 होता है, इसका कीमत कितना हो गया 2000 हो गया, यानी इस वस्तु का दाम हो गया 2000 रुपये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। चलिए एक और टाइप के सवाल को देख लेते हैं, इस टाइप का सवाल तो आपका क्लियर हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का हमारा ये पहला सवाल, अगला क्या कहता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक सवाल कहता है फूल कुमारी अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 27 रुपया अधिक में बेचती तो उसको 7% का लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का सवाल हम कल के क्लास में भी कराए थे, पिछली वीडियो में। सवाल कहता है फूल कुमारी अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचती है, 5% हानि पर बेचती है, घड़ी को क्या करती है 5% हानि पर बेचती है, यदि वह उसे 27 रुपया अधिक में बेचती तो 7% का लाभ होता। अच्छा ये 7% का लाभ होता कब जानते हैं, जब वह 27 रुपया अधिक में बेचती। 27 रुपया अधिक में बेचने का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य का अंतर है 27 रुपया। आपको एक बार लाभ एक बार हानि दिया हुआ हो, या दोनों बार लाभ या दोनों बार हानि दिया हुआ हो, और आपको केवल विक्रय मूल्य का अंतर पता हुआ रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए, विक्रय मूल्य का अंतर। तो इसको देख लेना, दू रंग है तो जोड़ के एक रंग तो घटा के, ये देखो एक बार हानि है एक बार लाभ है, लाभ हानि है जोड़ लो, 7, 5, 12% लिखना। अच्छा दू रंग है तो जोड़ के, एक रंग तो घटा के, लाभ हानि तो जोड़ के, हानि लाभ तो भी जोड़ के, आ दोनों हानि रहता तो इसको घटा के लिखते, 7, 5 का अंतर 2 लिखते, ठीक है ना। अगर दोनों लाभ रहता तो भी घटा के लिखते, दू रंग तो जोड़ के आ एक रंग तो घटा के। अच्छा इसके बराबर में हमेशा विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर कितना 27। अब 100% का वैल्यू निकालिए तो क्रय मूल्य निकल गया, ये 27/12 और गुना 100। दोस्तों अगर काटे हम 4 से, 4 × 3 = 12, 4 से कटा 25 बार में, 3 से काट सकते हैं 9 बार में, 25 × 225 क्या, हाँ 25, 9 × 2 = 18, 4 = 22, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 2 = 18, 4 = 22, 225 ठीक है। आइए बढ़ते हैं, एक दो सवाल और ऐसा देखते हैं। अगला सवाल है एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता, क्रय मूल्य गाय का क्रय मूल्य कितना होगा। एक आदमी 15% हानि पर बेचता है, एक आदमी क्या किया है 15% हानि पर बेचा है। अब सवाल कहता है कि 150 अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कि पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य में 150 का अंतर है, तब कहता है कि 10% लाभ होता, तब 10% क्या होता लाभ होता। अब एक काम करिए, एक काम करिए, ये दू रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के, दू रंग है जोड़िए, 15 × 10 कितना हुआ 25%, अब 25% के बराबर आपको लिखना है विक्रय मूल्य का अंतर। विक्रय मूल्य का अंतर 150 रुपया कहा है तो बराबर में 150 लिख देना है। अब 100% का वैल्यू निकाल दीजिए तो भैया 150 कितना है, ये 150 है, 150/25 अगुना 100, चलिए 25 × 100, 15 × 60 और 600 रुपया हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक और सवाल को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपया अधिक पर बेचा जाए तो 21% का लाभ हुआ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सिंपल, एक वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, 19% हानि पर बेचा जाता है,
और 120 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 21% का लाभ होता है। अब 21% का क्या होता है? लाभ होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बोला है कि 120 रुपया अधिक में बेचा जाता है। 120 रुपया अधिक में बेचने का मतलब पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य में 120 का अंतर हुआ। ऐसा भी रह सकता था दूगो विक्रय मूल्य ही दे देता कि पहले इतना रुपया में बेचा जाता था तो इतना प्रतिशत हानि, फिर इतना रुपया में बेचा जाता है तो इतना प्रतिशत लाभ। तो क्या करते, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हम निकाल लेते। इस बार विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है, ऐसा भी सवाल रहेगा कि दो विक्रय मूल्य दे देगा, लाभ हानि दे ले रहेगा। दो रंग है तो जोड़ लीजिए, 9 × 1 = 10, 2 × 1 = 3, 1 × 4 यानी 40%। अब बराबर आपको लिखना है विक्रय मूल्य का अंतर, 120 रुपया का अंतर बोला है। चलिए तो 40 का 3 गुना होता है तो 100% का जो मान निकालना है इसका 3 गुना कितना होगा? 300 रुपया होगा। ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया। हम लाख छुपाए प्यार मगर, ओ हम लाख छुपाए प्यार मगर, दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ये बटखारा वाला सवाल जो होता है वजन में कमी वृद्धि करने वाला सवाल, एक तरह से ये भाव का केस है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई व्यापारी सामान को बेचते समय बटखारा में यानी वजन में 20% की कमी कर देता है तो वो कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा? आपको ऐसे सोचना है कि हमेशा 1 kg मान के चलना है कि रियल में होना चाहिए 1 kg अगर ईमानदारी से बिक्री हो तो, इसी में वो वजन में कमी करेगा या वृद्धि करेगा। और 1 kg का मतलब होता है भैया 1000 ग्राम। 1 kg मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। अगर कोई 20% की कमी करता है वजन में, 20% की कमी करता है, इसका मतलब है कि 1000 का 20% कम करेगा, प्रतिशत से 2 0 कटा यानी 200 ग्राम की कमी करेगा। अब जब 200 ग्राम कमी कर देगा, कहेगा सवाल कि कोई व्यापारी जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है या वादा करता है, लेकिन वह क्या करता है, 1 kg के जगह 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो 20% कम कर देगा यानी 200 ग्राम कम कर देगा। अब समझना है कि यानी कि वो बेचता 800 ग्राम है, बेचता कितना है 800 ग्राम, ऐसे आपको समझना है। यानी 1000 ग्राम बेचना चाहिए, वो खुद लाता होगा खरीद के तो 1000 ग्राम, और क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करेगा, और क्या करेगा वो 200 ग्राम कम देगा क्योंकि 20% बटखारा कम कर दिया है, तो ये 200 ग्राम का लाभ कमाएगा। कितना पर? अब 1000 पर कि 800 पर? तो आपको ध्यान देना है 800 पर, जितना वो देगा उसी पर लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये भाव का केस हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए बटा में SP। 2 0 से हमारा 2 0 कटेगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 4 से इसको काट सकते 25 बार में, यानी ऐसे सवाल में 25% लाभ हो गया। दोस्तों कोई दुकानदार अगर कहता है कि मैं जितने में खरीदता हूँ उतना ही मैं आपको दे दूँगा, और उसने बटखारे में 20% की कमी कर दी है, तो समझ जाइए कि वो 25% का लाभ कमा रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि 20% बटखारा कम किया है तो 20% लाभ कमाएगा, नहीं, 25% लाभ कमा लेगा। तो चलिए आगे चीज़ सीखते हैं, आगे अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम आपसे, और ताकि आपको बहुत आसानी से बेसिक चीज़ें आपको समझ में आए। अच्छा एक बात, कोई भी दुकानदार ना खरीद के हमेशा लाएगा वो 1000 ग्राम, ठीक है ना, जब ये मान के चलना है आपको कि वो खरीदता हमेशा 1000 ग्राम है, और बेईमानी करेगा, मान लीजिए कि 1000 ग्राम खरीदता है और इस बार लाभ ही दे दिया जाए आपको 25%, ठीक है, तो कितना वजन तौलता है यानी कितना वजन बेचता है वो, ये चीज़ जानना है। आपने पीछे सवाल में देखा था 800 ग्राम बेचा था, अब निकाल के देखते हैं कैसे। देखिएगा SP निकालनी है, खरीद के लाया 1000 ग्राम और 25% लाभ कमाएगा तो कितना ग्राम वो बेचेगा, इस बात को जानना है ना। आपको बात याद है मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था भाव का केस और अमाउंट का केस एक दूसरे का उल्टा होता है।
आप देखे होंगे अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ हानि सीपी पर निकालते हैं, यानी लाभ बट्टा सीपी गुना 100 करते हैं अगर प्रतिशत लाभ निकालना रहता है तो। लेकिन भाव का केस जब होता है तो प्रतिशत लाभ अगर निकालना है हमें तो हम ऊपर में लिखते हैं लाभ और बट्टा में लिखते हैं एसपी और गुना 100। देखिए उल्टा नियम लगा देते हैं, यहाँ सीपी लिखते हैं, यहाँ एसपी लिखते हैं। तो भाव का केस और अमाउंट का केस होता है एक दूसरे का उल्टा, इस पर रूल भी उल्टा लगेगा। कैसे रूल लगेगा ये जरा ध्यान लिखिए दीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25% का होल वैल्यू निकाल लीजिए, 25% का माने 1/4, और लाभ है तो जोड़िए 5/4। याद करिए 1000 ग्राम है, ये क्या है, वजन है। आपको विक्रय मूल्य निकालना है, भाव के केस में विक्रय मूल्य पर जाना है तो उल्टा गुना करिएगा। जबकि अमाउंट के केस में अगर ये रुपया रहता, 1000 ग्राम नहीं रहता, 1000 रुपया रहता और विक्रय मूल्य निकालना रहता तो सीधा गुना करते। याद होगा बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया है, नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आगे बहुत काम देने वाला है आपको। इस बार विक्रय मूल्य निकालना है ना तो इसका उलट के गुना करिए, 4 ऊपर और 5 नीचे, 5 से इसको काट दीजिए, कितना बार में, 200 बार में, यानी वो 800 ग्राम ही तौलेगा। कहने का मतलब वो खरीद के लाएगा 1000 ग्राम में, लेकिन उतना ही पैसा में 800 ग्राम ही वो देगा ग्राहक को, जिसके वजह से उसको लाभ होगा 25% का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ जानकारी आपको हम देते हैं, जो छोटी छोटी जानकारी बहुत ज़रूरी होगा आगे बड़े बड़े सवाल को सोल्व करने के लिए। कभी कभी ऐसा कहेगा कि कोई व्यापारी जो है अपने सामान का दाम 10% बढ़ा देता है, अपने सामान का दाम 10% बढ़ा देता है। अच्छा, दाम में वृद्धि किया यानी 10% वो लाभ कमा लिया, जितने में खरीद के लाया उसे 10% ज़्यादा में बेचा, 100 रुपया के सामान 110 में बेचेगा, 10 रुपया लाभ कमाया। कहेगा कि कोई व्यापारी अपने सामान का दाम 10% बढ़ा देता है, हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, घबराइएगा नहीं, अब भागिएगा नहीं, क्वेश्चन करवाएंगे, पहले बेसिक चीज़ सीखिए। कोई सामान का दाम 10% पहले बढ़ा देता है और फिर कहेगा और बटखाड़ा में भी 200 ग्राम कम का इस्तेमाल करता है, या हो सकता है कि वो कहे और बेचते समय 800 ग्राम वाट का ही इस्तेमाल करता है, सामान के दाम में 10% की वृद्धि कर देता है और बटखाड़ा 800 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है। आपको सोचना है वो खरीद के लाता होगा 1000 ग्राम, वो खरीद के लाता होगा 1000 ग्राम, जबकि बेचते समय 800 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो 200 ग्राम कम दे रहा है, तो इधर लाभ कितना कमा रहा है 200 ग्राम का, इधर लाभ कमा रहा है 200 ग्राम का। तो दोस्तों इधर प्रतिशत लाभ कितना कमाया, तो प्रतिशत लाभ कमाया ये 200 ग्राम का लाभ कितना पर, बट्टा में 800 लाएंगे और प्रतिशत के लिए हम 100% से गुना करके आएंगे, 200 से इसको काटा 4 बार में, 4 से इसको काटा 25 बार में, यानी कि आपको 25% का पुनः लाभ कमा रहा है, एक लाभ इधर और इधर दाम भी तो 10% बढ़ाया है, यानी एक ही सामान पर वो 2 बार लाभ कमा रहा है। एक बार तो उसने सामान का दाम बढ़ा दिया था और दूसरे बार बेचते समय बटखारा भी कम कर दिया है, यानी वो एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ कमा रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो हम ए बी फार्मूला लगाएंगे। ए बी फार्मूला होता है हमारा A+B+AB और बट्टा में 100। ये प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के लिए इसको आप लगा सकते हैं। अब अगर आप जानना चाहेंगे कि वह व्यापारी कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमा लिया इसमें, तो सुनिए, इसके जगह लिखेंगे 10 और बी के जगह लिखेंगे अब 25, फिर 10 × 25 और बट्टा में 100, 25 × 10 कितना हुआ 35, अब 25 × 100, 4 × 2 10 × 5, 5/2 यानी 2.5, यानी कि 37% का लाभ कमाया इस व्यापार में वह व्यापारी। क्या करके, सामान का दाम अंकित मूल्य से 10% ज़्यादा बढ़ा दिया और बेचते समय 1 किलो के जगह 800 ग्राम वाट का इस्तेमाल किया, इसके वजह से वो 200 ग्राम का लाभ उधर कमा लिया, यानी कि वो लाभ हुआ 25% लाभ। अच्छा, 200 ग्राम का लाभ 800 पर, जितना बेचेगा उसी पर निकाल रहे हैं, ये भाव का केस है।
तो 200/800 गुना 100 किए यानी 25% लाभ। एक ही सामान पर दो बार लाभ कमाता है, ए बी फार्मूला लगाना है। ए बी फार्मूला a+b+ab/100 होता है। और ध्यान दें, यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व कर लिया, 37.5% का लाभ कमाया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हम सवाल पर और देखते कितना आसानी से आपको सारे सवाल समझ में आता है। आइए सबसे पहला सवाल आज का, और दोस्तों हमारा ये टाइप 8 है। सवाल कहता क्या है, कहता है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का इस्तेमाल करता है। बताएं कि उसे उस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कहता है एक बेईमान व्यापारी जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। ग्राहक को कहता है कि जैसे हम लाते हैं ना खरीद के, वैसे ही आपको दे देते हैं। लेकिन उसने क्या किया है, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वाट का ही इस्तेमाल किया है। तो भैया खरीद के तो लाता होगा वो 1000 ग्राम और बेच रहा है ग्राहक के हाथे 960 ग्राम, तो बताइए 40 ग्राम का लाभ कमा लिया क्या? लाभ कमा लिया क्या 40 ग्राम? 40 ग्राम बचा तो लिया ना, तो प्रतिशत लाभ कितना का? प्रतिशत लाभ होगा भैया लाभ बटा SP, भाव का किस है अमाउंट ना कि बटा में CP लिखिएगा, बटा SP यानी 960 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। चलिए 0 से 0 कट गया, 4 से काटे 24 चौका 96, 4 से काटा 6 बार में, 100 को काटा 4 से 25 बार में, यानी 25/6% हमारा आंसर रेडी है, हमारा आंसर ऑप्शन डी। आइए बढ़ लेते हैं अगले सवाल को देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 15% धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा देता है। बताएं कि इस तरह से उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक व्यापारी जो है खरीदते समय 15% का धोखा देता है और बेचते समय 20% का धोखा देता है। एक बात बताइए, व्यापारी धोखा क्यों देता है? आपको पता है? कहिएगा हमको क्या पता। पता है, ये धोखा लाभ कमाने के लिए देता है। धोखा देना यानी यहाँ पर लाभ कमाने के लिए। तो पहले 15% का धोखा सामान को खरीदते समय, अब बेचते समय 20% का धोखा दे दिया। अब एगो बात बताइए, एक ही वस्तु पर दो बार लाभ कमा लिया। जब एक ही वस्तु पर लगातार दो बार घटना घट जाए, ए बी फार्मूला लगा देंगे, a+b+ab/100, वो हमेशा लाभ ही कमाना चाह रहा है, इसीलिए हाँ हमेशा प्लस रहेगा। और देखिए ये 15+20+15 × 20/100 हमारा हो जाएगा 100, इसको प्रतिशत में बोलना है। 0 से 0, चलिए 2 से कटा 5 बार में, 5 × 15, अच्छा 15 × 10 35 × 3 38, 38% का लाभ इस व्यापार में हुआ है उस व्यापारी को। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अगला सवाल तीसरा प्रश्न का कहना है, एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ सौदे में प्राप्त हुआ। एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ इस सौदे में हुआ। एक बार तो 850 ग्राम वाट का इस्तेमाल किया है तो लाभ कमाएगा ही। एक बार कहता है एक व्यापारी 8% हानि पर बेचने का वादा करता है। सुनिए, हमेशा मान के चलना है 1000 ग्राम ये मूल वैल्यू होना चाहिए। तो 1000 ग्राम का 8% वो हानि कमा रहा है। हानि इसका क्या मतलब है जरा इसको देखिएगा, कि प्रतिशत से 2 जीरो हम काट लिए, 80 ग्राम का हानि कमाना चाह रहा है वो। उसका ये कहना है कि भैया हम 80 ग्राम का हानि सहेंगे, यानी वो कहता है कि हम आपसे ना 80 ग्राम का हानि पर ही दे देंगे, यानी हम आपसे पैसा 920 ग्राम का ही लेंगे, 920 ग्राम का ही पैसा लेंगे, उसका ये मतलब है। लेकिन हम आपको देंगे 1 किलो,
हमेशा सोचना है कि एक किलो वजन बेचना है, लेकिन उसी में क्या करेगा, कभी झूठ से नहीं देगा और कभी ज़्यादा भी दे सकता है अगर वो चाहे कि हम ज़्यादा बेचना चाहें तो, ऐसा भी सवाल होगा। इस बार 8% हानि पर बेचने का मतलब ये हुआ कि 1000 का 8% कितना हुआ, 80 ग्राम, यानी 80 ग्राम कम का वो पैसा लेगा, 80 ग्राम कम का पैसा लेगा, यानी पैसा लेगा 920 ग्राम का। और सवाल कहता है एक किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है, वो तो कहता है कि हम 8% हानि पर बेच देंगे, आपसे पैसा हम 920 ग्राम का लेंगे लेकिन देंगे एक किलो, लेकिन वो आदमी 850 ग्राम ही देता है, 850 ग्राम ही देता है। सुनिए सुनिए, तो देता इतना है और पैसा इतना का लेता है, पैसा लेता है, पैसा इतना का लेता है और देता इतना ही है, बात है समझ में। तो चलिए, ये 0 और 12 में से 5 गया 7, तो ख़त्म हो गया, यानी 70 ग्राम का लाभ कमा लेता है, 70 ग्राम का अभी भी लाभ कमा लिया, पैसा लिया 920 का, दिया 850 ग्राम, तो यानी कि 70 ग्राम का लाभ भाव के किस है, तो विक्रय मूल्य पर निकालना है, बट्टा में लिखना है 850 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। चलिए, 0 से 0 कट गया, अगर 5 से काटते हैं तो 17 बार में, 5 से काटते हैं तो 20 बार में, 20 से 140, 140/17% हमारा आंसर तैयार है और वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला, चौथा, यही तो सीखने वाला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है जरा देखिए, एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और सही बाट से 20% कम का प्रयोग में लाता है, तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ। एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है, यानी उसको एक तालाब हो गया है 10% का, एक लाभ हो गया उसको कितने का, 10% का वो लाभ कमा रहा है, इतना पर चावल बेच रहा था, यानी सामान का दामे बढ़े ले है 10% पर कमा रहा है, लेकिन कहता है और सही बाट से 20% कम बाट का प्रयोग में लाता है। अब 20% कम बाट इस्तेमाल किया तो फिर लाभ कमाया 25% का, देखिए कैसे, अगर वो खरीद के लाता है दोस्तों एक किलो, मतलब 1000 ग्राम, बेस हमेशा 1000 ग्राम ही लेके चलना है, और यहाँ पर 20% कम वाट का इस्तेमाल करता है, यानी कि इतना का 80% देता है, यानी बेचता वो 800 ग्राम है, नहीं 200 ग्राम का लाभ कमा लेता है, लाभ कितना का कमा लेता है 200 ग्राम का, कैसे आप ही निकालिए ना, 20% इसका निकाल के देखिए, 20% कम वाट का इस्तेमाल करता है ना, तो इसका 20% 200 ग्राम होगा, यानी 200 कम देता है, यानी 800 ग्राम देता है, तो प्रतिशत लाभ कितना कमाया, प्रतिशत लाभ बताइए, ये 200 ग्राम का लाभ कितना पर, 800 पर, प्रतिशत के लिए हमारा 100% से गुना हो जाएगा, 200 चौके 4 से कटा 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ कमा लिया। अब 25% का लाभ कमाया जबकि पहले से वो 10% लाभ कमा रहा था सामान बेचने से, अब बटखरा कम करके फिर 25% का लाभ कमाया, यानी कि एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटा दिया, ये भी फार्मूला लगा दीजिए आप, 10+25 और प्लस 10 × 25 और बट्टा में 100, 25 और 10 35 ही आ जाएगा, कट किया रहा है, यानी 37.5% आपको यहाँ पर वो व्यापारी लाभ कमा लेता है। करते हैं सबसे पहला सवाल आज का, पहला सवाल क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी 15% लाभ पर एक टेबल को 460 रुपया में बेचा और उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा और इस तरह से उसे पूरे सौदे में न तो हानि न लाभ होता है, बताएं कि उसके दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। सवाल कहता है क्या जानते हैं, कहता है कि व्यापारी 15% लाभ पर एक टेबल को 460 में बेचता है, 15% लाभ लेकर 460 में बेचता है और उसने एक दूसरी टेबल 10% हानि पर बेचा और इस तरह से पूरे सौदा में न तो लाभ हुआ न हानि, तो कहता है बताइए कि दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, 15% लाभ लेकर पहला टेबल को 460 रुपया में बेचा गया
हम ये पता कर सकते हैं कि खरीदा कितना में गया होगा, ये पहला टेबल। हाँ, 15% का मान 3/20 होता है, लाभ है तो जोड़िए 23/20। आपको याद होगा विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दूं तो क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी पहला टेबल का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इसको उलट के गुना कर दिया। अब ये होल वैल्यू अभी तक नहीं जाने हैं तो आपको पहला क्लास देखना चाहिए वरना समझ में नहीं आएगा। 23 × 46 यानी 20 × 400 रुपया का वो टेबल खरीदा हुआ था, जिसको 460 में बेचकर लाभ कमाया गया 15% का। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर लाभ कितने रुपए का हुआ? हाँ, 460 में बेचे 400 के सामान को, यानी घटा लिए 60 रुपया का लाभ हुआ। अब सवाल कहता है कि दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा गया है, जबकि पूरे सौदा में न तो लाभ हुआ और न हानि हुआ। इसका मतलब है कि जितना रुपया के लाभ हुआ होगा उतना ही रुपया के हानि हुआ होगा, इसलिए पूरे सौदा में न तो लाभ हुआ होगा न हानि। यानी पहला टेबल पर जितना लाभ हुआ है ना, दूसरे टेबल पर वो 10% हानि है उसी के बराबर होगा। ये 10% हानि, 10% दूसरे टेबल का 10% हानि इस 60 रुपए लाभ के बराबर होगा, क्योंकि जितना लाभ हुआ उतना ही हानि, दोनों का लाभ हानि बराबर रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब 100% का मान निकाल दीजिए, क्रय मूल्य निकल जाएगा दूसरे टेबल का 60/10 × 100। आइए 0 से 0 कटा, यानी 600 रुपया। दोस्तों आपको समझ में आया, दूसरे टेबल का क्रय मूल्य 600 था, पहला टेबल का क्रय मूल्य 400 था, और दोनों का लाभ हानि आपस में बराबर होगा, तभी पूरे व्यापार में न लाभ हुआ न हानि। आप देखना चाहेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहला टेबल का क्रय मूल्य है 400 और दूसरे टेबल का 600 है ना क्रय मूल्य, 400 और 600 को देखिए काम करके बताते हैं। एक बात बताइए, पहला टेबल का 400, दूसरे का है 600, ये पहला का क्रय मूल्य निकला है, ये दूसरे का क्रय मूल्य निकला है, ठीक है। इस पर 15% लाभ हुआ तो कितना का लाभ हुआ? आपको पता है 400 का 15% बोला है ना, 15% लाभ हुआ है, 60 रुपया लाभ हुआ, और दूसरे पर है 10% की हानि। तो हानि कितना का हुआ जानते हैं? इस पर दूसरा का क्रय मूल्य 600 है तो 600 का 10% निकाल के देखिए ना, लीजिए 60 रुपया हानि। तो जितना के लाभ है उतना ही का हानि है, इसलिए पूरे व्यापार में ना लाभ होगा ना हानि होगा। बढ़िया, अगले सवाल पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, दूसरा कहता है विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? आपको इस पूरे सवाल में नहीं पता है कि विक्रय मूल्य कितना है या क्रय मूल्य कितना है। आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए ये कि 100 मान लेना चाहिए, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, पहले विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ। विक्रय मूल्य नहीं पता है इसीलिए विक्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए। जब पूरे सवाल में रियल में रुपया नहीं है तो आप 100 मान के काम कर सकते हैं। दोस्तों विक्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य पर 25% लाभ, 100 का 25% कितना होगा? 25 रुपया। अब आपको ऐसे सोचना है, कोई सामान मान लीजिए 100 में खरीदे और 25 के लाभ हुआ है, सॉरी खरीदे नहीं, 100 में बेचे और 25 के लाभ हो गया, यानी खरीद रहे होंगे 75 रुपया में ही खरीद रहे होंगे, नहीं, 100 रुपया में बेचे हैं, 25 रुपया का लाभ हुआ है, यानी आप खरीद के लाए होंगे 75 में ही, और 75 के सामान 100 में बेचिएगा तो 25 के लाभ ना होगा? होगा। अब कहता है कि प्रतिशत लाभ ऑन सीपी बताओ, प्रतिशत लाभ ऑन सीपी, यानी वही लाभ जो है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के बराबर है? विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? तो भैया लाभ को जो पूछा है अब क्रय मूल्य पर पूछा है, तो बट्टा में 75% के लिए 100 से 25 × 75, 100/3 33.1/3% के बराबर है। विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्रय मूल्य पर 33.1/3% लाभ के बराबर हुआ। आपको एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ सकता था, पहले विक्रय मूल्य बोला वहां क्रय मूल्य बोल देता, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा?
तो करेगुल पर 25% लाभ कहता तो सोमवे में करेगुल मान लेते हम 100। बात आए समझ में? नहीं समझे? आपसे कह देता कि करेगुल पर 25% का लाभ, वही सवाल होता करेगुल पर 25% का लाभ, तो करेगुल 100 रुपया पहले मान लेते, इसको मान लेते और फिर कहता लाभ 25% 20% कुछ भी हो सकता है। करेगुल पर कहते 25% का लाभ, 25 रुपया लाभ। अब विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा? आपको सोचना है कि 100 में खरीदे 25 का लाभ हुआ तब बेचे होंगे कितना में? 125 में। अब आपसे पूछ ले कि प्रतिशत लाभ ऑन सीपी, प्रतिशत लाभ ऑन सीपी यानी 25 का लाभ कितना पर, सॉरी सीपी पर ना, एसपी पर, सीपी पर तो दे ही दी है, एसपी पर तो बट्टा में 125 और गुना 100%, 25 × 5 से कटा 20 बार में, तब आपका 20% लाभ के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, आपको सवाल ऐसे दिया, अच्छा लाभ ही नहीं हानि भी बोल सकता था, तो हानि के हिसाब से काम कर लेते। अगला सवाल हमारा है तीसरा, प्रश्न 3 क्या करता है? कहता है अवनीत एक घड़ी 20% छूट पर खरीदता है तो 25 रुपए की बचत होती है, बताएं कि उसने घड़ी के लिए कुल कितने रुपए अदा किए। अवनीत एक घड़ी 20% छूट पर खरीदता है, 20% छूट पर खरीदता है, 20% छूट पर खरीदता है तो 25 रुपया के बचत होता है, यही बात ना? जानते हैं 20% छूट पर खरीदने का मतलब है कि 20% का बचत होना और इधर 25 रुपया का बचत होना, तो जो चेंजिंग प्रतिशत में है वही चेंजिंग अमाउंट में भी है, इसको आपस में बराबर करना है। यानी उस वस्तु के 20% डिस्काउंट करने पर 25 रुपया घटता है, यानी उस वस्तु के कीमत के 20% का वैल्यू 25 रुपया है। अब अगर आप 100% का मान निकालोगे तो उसका कुल कीमत निकल जाएगा, तो उसका दाम कितना है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि जरा ये बताइए कि उसने घड़ी के लिए कुल कितने रुपए अदा किए, तो 20% का छूट पर खरीदा तो 80% ही अदा किया है, तो हम 80% का मान निकालेंगे ना कि 100% का। अब 25/20 गुना 80 करेंगे, 100 नहीं, 20 × 80 25 × 100, ये 100 रुपया हुआ दोस्तों। आप जानते हैं 25 रुपया की बचत हुआ था 20% छूट देने पर। ठीक है, यानी वस्तु का दाम जो हम दिए हैं घड़ी खरीदने के लिए, यानी अवनीत जो दिया है 100 रुपया दिया है। अगर आप ऐसे करते हैं कि 20% छूट पर खरीदा 25 रुपया के छूट हो गया, बचत हो गया, अब 100% का अगर आप मान निकाल लेते तो 25/20 गुना 100, 20 × 100 125 रुपया, ये क्या हुआ जानते हैं? 125 उसका कुल कीमत हो गया, लेकिन हम कुल कीमत नहीं दी, इसमें कुल कीमत नहीं दिया गया है ग्राहक द्वारा, उसके द्वारा दिया गया है 20% छूट। अब देखिए उसका कीमत है 125, 25 के बचत हुआ था इसीलिए 100 रुपया में खरीदा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छा से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, अभय ने 20% छूट पर एक रेडियो खरीदी, उस रेडियो को 15% लाभ पर 690 रुपया में बेच दिया, बताया कि उस रेडियो का मूल्य क्या था। अभय ने 20% छूट पर एक रेडियो खरीदा तो पहले एमआरपी रहा होगा ना, उस एमआरपी से 20% छूट पर खरीद के लाया और खरीद कर लाने के बाद क्या किया जानते हैं? 15% लाभ लेकर, 15% लाभ लेकर उसको बेच दिया, अब बेच दिया कितना में? 690 रुपया। दोस्तों अब यहां पर एक अभय नाम का व्यक्ति क्या करता है, एमआरपी से 20% छूट पर खरीद के लाता है। अच्छा एमआरपी नहीं बोला है, लेकिन आपको सोचना है, बोला है ना कि 20% छूट पर खरीद के लाया, तो कोई सामान का दाम जितना होगा यानी एमआरपी रहा होगा, छूट उसी पर मिलता है, कोई दुकानदार आपको छूट देगा हमेशा एमआरपी पर देगा, जिस रेट से वो खरीद के लाया है उस पर कभी आपको छूट नहीं देने वाला है दुकानदार, घाटा हो जाएगा उसको। एमआरपी से 20% छूट पर खरीद के लाया और 15% लाभ लेकर बेच दिया 690 में। आप पहुंच गए हैं लास्ट वाले वैल्यू पर, शुरू में आना है यानी एमआरपी पर आना है, तो उल्टा आना पड़ेगा ना, फुल वैल्यू निकाल के उल्टा गुणा कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। जैसे 15% का मान होता है 3/20,
इसको जोड़ लीजिए तो 23/20 हुआ। अगर इस 690 में दोस्तों उलट के यानी 20/23 से गुना कर देंगे तो हमारा यहां वाला वैल्यू निकल जाएगा कि क्रैमूल कितना रहा होगा। और फिर इसका गुना कर देते हैं 20% का मान 1/5 है, छूट है तो घटा के 4/5, फिर उलट के गुना कर देते हैं 5 ऊपर 4 नीचे, तब यहां आ जाएंगे यानी उस सामान के एमआरपी पर पहुंच जाएंगे। लीजिए 23 3 69 4 5 20, अब ये 30 × 5 = 25, 25 3 75 750 रुपया। जानते हैं उस वस्तु का दाम 750 था, 20% छूट पर खरीद के लाया, फिर 15% लाभ पर बेचा, तब जाके वो 690 में बेचा है, जबकि एमआरपी तो उसका 750 था। बताइए ग्राहक कितना आसानी से ले लेगा कि 750 का सामान हमको 690 में मिल जा रहा है और उसको लाभ हो जा रहा है, दुकानदार को बेचने वाले को 15% लाभ हो रहा है क्योंकि वो दुकानदार खरीद के लाया था 750 के सामान। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो खरीद के कितना में लाया था तो आप कैसे कर सकते थे, देखिए आप क्या कर सकते थे, आप इस 690 में या भैया कितना में खरीदा था इसको उलट के गुना की कहें कि क्रैमूल जो उसका रहा होगा उस पर 15% फिर लाभ दे कमा के तब बेच दिया 690 में। अब देखिए 20 ऊपर 23 नीचे, 23 3 69 यानी 600 में खुद खरीद के लाया, ये खरीद के लाया वो कितना में 600 में, कौन एमआरपी से अभय 600 में खरीद के लाया 690 में बेचा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका एमआरपी कितना छपा था तो फिर इस 600 में हमने गुना किया है इसको उलट के, फिर पीछे आना था यहां से यहां आना था, ये 600 हमको पता चल गया था 690 था यहां आगे फिर उलट के गुना, तो अब 5 ऊपर 4 नीचे 400 15 24 7 15 25 75 यानी 750 यहां का वैल्यू था, एमआरपी था 750 रुपया, 750 का सामान 20% छूट पर 600 में मिला और फिर 15% लाभ पर बिका यानी 690 में बिका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों मेरा मकसद ये कहीं नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको अभी पढ़ा दूं, मेरा मकसद बस ये है कि हम आपको आसानी से सिखा दें। देखिएगा 5 नंबर सवाल क्या कहता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम आज आपको डिस्काउंट में कई क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आपसे हम पूछेंगे कि ऐसा सवाल पीछे मैंने प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया है। सवाल कहता है इकबाल अपने वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि उस वस्तु पर 6 पूर्णांक 1/4% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ प्राप्त हो। इकबाल अपने वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 6 पूर्णांक 1/4% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो, मतलब अगर आप दुकानदार हैं और आप चाहते हैं कि 6 पूर्णांक 1/4% छूट देकर बेचे और तब भी हम लाभ कमा ले 5% का तो उसका दाम कितना छापना होगा। सवाल कई तरीके से आपसे पूछेगा, कभी कहेगा कितना बढ़ाकर छापा जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा के छापा जाए, या कितना छापा जाए या कितना बढ़ाकर छापा जाए। अच्छा प्रतिशत वाला बात अलग हो गया, इस सवाल में प्रतिशत में ही बताना है क्योंकि रुपया का चर्चा इसमें है नहीं, कहीं रुपया दिया हुआ है इस सवाल में नहीं। अब इतना परसेंट छूट देने के बाद भी इतना परसेंट का लाभ हो तो उसका दाम कितना छापा जाना चाहिए यानी कितना परसेंट छापा जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले छूट वाला का क्या करना है, 6×6=24 25/4, और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 होता है, 25×4=100, 1/16 1/16 हुआ, इसको छूट करके निकाल लीजिए, 16 में घटाइए 15/16 छूट है इसीलिए घटा दिए, इस 15/16 को लिखना है और इसके बराबर लिखना है जितना प्रतिशत लाभ कमाना है 100 में उतना जोड़ के, अगर हानि कमाना चाहते हैं तो 100 में से उतना घटा के, 5% लाभ कमाना चाहते हैं तो 105% लिख दीजिए, 15/7 इधर कुछ नहीं तो 1 होगा, अब लीजिए 16/7 112 यानी 1 डिनोट करता है और वैल्यू को 100% का मान होता है 1, ध्यान दीजिएगा यानी उसका दाम 112% छापना होगा, यही आपका आंसर हो गया। सामान का दाम कितना छापना होगा 112%। दोस्तों याद रहे अगर मान के चलिए कि उस सामान का दाम 1000 रुपया रहा होगा और उस पर इकबाल चाहता है कि 6 पूर्णांक 1/4% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ कमाए तो नया दाम क्या छापे, तो नया दाम इस एमआरपी का 112% छापना होगा यानी 1000 का 112%। अगर वो ये सामान इतने में खरीद के लाया होगा तो प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 1120 रुपया छापना होगा
लेकिन अगर सवाल आपसे ये कहता है कि हम 1000 का तो सामान हम रखे हुए हैं और वो चाहता है कि 6% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ कमाए, तो कितना बढ़ाकर छापे? देखो टोटल छापना है 112%, लेकिन बढ़ाकर छापना कितना है? अगर आपको वृद्धि निकालनी है वृद्धि, तो वृद्धि के लिए 100 से ये कितना ज्यादा है? 12, तो 12% ही ज्यादा छापना है, यानी 1000 का 12% ज्यादा छापना है, यानी कि केवल 120 रुपया बढ़ाकर छापना है। टोटल कितना छापना है? तो 1120, बढ़ाकर कितना छापना है? 120। अगर 1000 सामान का दाम है तो कभी कभी आपसे कह देगा कि 1000 रुपए की वस्तु पर इकबाल चाहता है कि 6% छूट देकर 5% का लाभ कमाए, तो उस वस्तु का नया दाम कितना अंकित करना चाहिए? आप कह सकते हो कि सर 1120 रुपया छापना चाहिए। पर आज के इस वीडियो में हम आपको लाभ हानि का मिसलेनियस क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक वीडियो मिसलेनियस का आपको पीछे मिल चुका है और ये दूसरा वीडियो मिसलेनियस का है जो कि लाभ हानि का ही क्वेश्चन होगा। सारे टाइप से मिसलेनियस क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। अच्छा, टाइप बाई टाइप सारा टाइप हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद एक वीडियो और हम आपको लाने वाले हैं जो SSC के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा गया होगा, रिपीट किया गया है, उस क्वेश्चन को हम आपको करवाने वाले हैं। इसके बाद आपको संडे को टेस्ट होगा, 19/4/2020 को शाम के 7 बजे धुड़ीना ऐप पर लाइव टेस्ट होगा, जिसमें कैश प्राइज 5000 रुपये है और उसमें 5 लोगों को मिलेगा और 1000 रुपये 5 लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि टेस्ट कहाँ देना है, कैसे देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और वहाँ पर पेड कोर्स ऐसे मेरा चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पेड कोर्स कर रहे हैं वही टेस्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट कोई भी दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आइए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न ये है हमारा। प्रश्न क्या कहता है? एक दुकानदार किताब पर छपे मूल्य पर 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल का ये कहना है कि एक दुकानदार किताब पर छपे मूल्य पर 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। अच्छा, छपा मूल्य कौन है? छपा मूल्य यानी वो MRP जो सामान का दाम लिखा हुआ होता है उस वस्तु पर जिस सामान खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आप दवा खरीदें तो दवा के डब्बे पर प्रिंट होता है कोई भी दवा, मान लीजिए 89 रुपये का कोई दवा है, यानी उसका वही MRP यानी वही छपा मूल्य है। दोस्तों, कोई भी मूल्य जो होगा हमेशा MRP से कम ही होगा। कोई सामान जब बनता है और उसका जो दाम छाप दिया जाता है उससे कम में ही कोई खरीद और बेच सकता है, उसे ज़्यादा में नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा में बेचता है तो गलत है। एक दुकानदार किताब पर छपे मूल्य पर 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य क्या हुआ? एक प्रकार का क्रय मूल्य ही लागत मूल्य हुआ। अब मान लीजिए कि छपा मूल्य हमारा, छपा मूल्य, घबराइएगा नहीं, मूल्य तो हम एक से मानेंगे, छपा मूल्य एक्स मान लेते हैं। छपा मूल्य क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। छूट कब देते होंगे? जब बेचते होंगे इसको, तो इस पर 15% छूट देंगे, यानी एक्स के 85% में हम खरीद लिए। 85% का वैल्यू होता है 17/20, यानी ये 17x/20 रुपया हो जाएगा आपका उसका विक्रय मूल्य। तब कहता है कि 20% लाभ कमा लेता है, 15% छूट देकर लाभ कमा लेता है। सामान का दाम 100 रुपया था, 15% छूट दिया तो एक्स का 85% लेकर बेचा होगा। छूट कब देता है? जब कोई व्यक्ति बेचता है सामान को, यानी बेच दिया इतना में, तो लाभ कमा लेता है वो 20% का। जब 20% का लाभ हुआ, 20% का मान 1/5 लाभ है, तो जोड़ दीजिए 6/5। अच्छा, एक बात और, अगर शुरू से आपने क्लास नहीं देखा है तो आपको Part 1 से देखना चाहिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ मस्ती का, लाभ हानि का यानी प्रॉफिट लॉस का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी वीडियो देखिएगा, वरना अब ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद तो खत्म हो रहा है, अब यहाँ से कहाँ समझ में आएगा अगर बेसिक्स नहीं जानते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य एक प्रकार का, तो हम विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कर देते हैं तो क्रय मूल्य पता चल जाता है। किसका उल्टा गुना? यही लाभ हानि के होल वैल्यू का। तो 5 ऊपर 6 नीचे, चलिए 5 × 20 यानी कि हो गया 17x/6×24, नीचे 24, ये हमारा लागत मूल्य है। सवाल क्या कहता है? सवाल का कहना है कि पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, छपा मूल्य है आपका 17x/24, ये है आपका लागत मूल्य। कहता है छपे मूल्य एवं लागत मूल्य, तो ये तो भैया निकल के आ गया हमारा
लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य है, अछापा मूल्य कौन था, x था। चलिए x से x कट गया एक बार में, 24 आकर इधर हो गया गुना में, तो 24 अनुपात 17 ये है आपका छपा मूल्य, ये है लागत मूल्य। यानी अगर कोई सामान का दाम छपा हुआ था 24 रुपया तो उसको खरीद ली हम 17 ही रुपया में खरीदे हैं। तो ये हो गया आपका इसका सवाल का आंसर। चलिए एक बात और याद रखिएगा हमेशा कि छपा मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है लागत मूल्य से, ठीक है। मान लीजिए कि कोई कंपनी 50 रुपये की साबुन बेचती है, यानी MRP 50 प्रिंट किया है, तो उसका लागत 50 से कम ही रहा होगा। यानी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि छपा मूल्य यानी MRP जो होता है हमेशा लागत मूल्य से अधिक होता है। दाम हमेशा बढ़ाकर छापा जाता है, जिसे बनाने में जितना खर्च आया उससे ज़्यादा दाम छापना होता है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल हमारा 11 नंबर है। कहता क्या है कि दिलीप अपनी पूंजी का 15% लाभ कमाता है, परंतु उसको अपनी दूसरी पूंजी पर 10% की हानि होती है। यदि पूंजी में 3:5 का अनुपात है तो सब मिलाकर उसको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। दिलीप नाम का कोई व्यक्ति है और उसके पास दो तरह का पूंजी है और वो पूंजी का अनुपात 3:5 है, यह है उसके पास पूंजी। इस पूंजी का रेशियो 3:5 का है। सवाल का क्या कहना है, सवाल का कहना यह है कि दिलीप अपनी पूंजी पर 15% लाभ कमाता है, परंतु उसको अपनी दूसरी पूंजी पर 10% का हानि होता है। पहली पूंजी पर 15% लाभ, दोस्तों 3:5 में पूंजी का मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 रुपया है तो दूसरा पूंजी 5 रुपया का है। पहला पूंजी अगर 300 का तो दूसरा 500 का, अगर ये 3 लाख का तो ये 5 लाख का। हाँ, ये रेशियो में आप समझ सकते हो, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसको रुपया, एकरा कहिएगा 3 रुपया, एकरा कहिएगा 500, ऐसे नहीं हुआ। अगर ये 3 रुपया तभी 5 रुपया, अगर 300 तो 500, 3 लाख तो 5 लाख। इसका ये मतलब पहला पर 15% लाभ कमाता है, दूसरे पर 10% हानि। तो मान लीजिए कि तीन का 15% कितना होगा, 3 का 15% निकाल लिए ये लाभ है, और दूसरा है 5% हानि, यानी इतना का 10% हानि। तो लाभ में से हानि को घटा देंगे, पता चल जाएगा कि लाभ होगा कि हानि इस व्यापार में, तो टोटल लाभ हानि ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने अंतर कर दिया है, इतना लाभ है इतना हानि अंतर कर दिया। तो लाभ होगा कि लाभ है, तो अगर प्लस में आएगा तो समझेंगे लाभ है, और माइनस में आ जाएगा तो समझेंगे हानि है। अच्छा, इतना का लाभ हानि कितना पूंजी पर, तो 8 पूंजी पर, और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना होगा। आइए, 15% का वैल्यू 3/20 होता है, तो 3 × 3/20 माइनस यहाँ कितना हो गया, चलिए 10%, यानी 1/10, यानी 1/2 हो जाएगा। 5 का 10% देखिए 10% 0, 5 × 10 यानी 1/2 हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा हल कर दे तो 3 × 3 = 9, 9/20 हो जाएगा। ये बट्टा में हमारा 8, प्रतिशत के लिए 100 से गुना है। दोस्तों 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है, 20 और 10 का एलसीएम 20 हो जाता है, ऊपर 9 और 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, तो 9 में से 10 गया यानी माइनस में एक। अच्छा, ये बट्टा में 8 है, गुना में ले जाएंगे तो 1/8 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए तो हमारा ये 100% से गुना है ही। चलिए 20 × 25 100, अब 5 में 8 से भाग दे दीजिए, यानी -5/8 है जो आ जाए, भाग दे के इसको पॉइंट में दे सकते हैं, 8 × 6 = 48, शेष बच जाएगा हमारा कितना 2, तो 8 × 2 = 16, 4, 8 × 5 = 40। इतना प्रतिशत हानि हुआ, इसको हानि कहिएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में था, तो इतना प्रतिशत का हानि है इस व्यापार में, 0.625% का हानि। आप चाहे तो ये 3 रुपया 5 रुपया इसको 300-500 करके भी बना सकते थे आप। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा 12 नंबर सवाल है। एक दुकानदार 5.5 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचकर 10% का लाभ कमाता है, यदि वह इसे 8 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। एक दुकानदार 5.5 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचकर 10% लाभ कमाता है, मान लीजिए वो अनाज बेच रहा है और वो बेच रहा है 5.5 रुपये किलो, 5.5 रुपये किलो बेच रहा है, तो 10% का लाभ कमा लेता है। अब जब लाभ कमा लिया है वो 10% का, तो 10% का मान 1/10 होता है, लाभ है तो जोड़ के 11/10,
दोस्तों 10 ऊपर 11 नीचे लिख दें तो हमें पता चल जाए कि उस वस्तु का क्रयमूल कितना है। इसको काट दीजिएगा तो चलिए दशमलव हटाएं तो नीचे में 2 जीरो हो गया क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था। अब चलिए 0 से 0, 0 से 0, 5 से काट दिया 11 बार में तो 11 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। सॉरी 11 पचे 55 यानी 5 रुपया प्रति केजी क्या हो गया जानते हैं, वस्तु का क्रयमूल हो गया। 5 रुपये कोई सामान खरीदा हुआ है किलो और 5.5 रुपये हम बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था 10% का। अब सवाल कहता है कि अगर उसे 8 रुपये प्रति किलो बेचा जाए तब कितना प्रतिशत का लाभ होगा। 5 रुपये का सामान 8 रुपये बेचिएगा तो लाभ ही ना होगा, हैं 8 में से 5 घटा लीजिए 3 रुपया प्रति केजी लाभ होगा। ये 3 का लाभ कितना पर भैया, तब बट्टा में क्रयमूल लिखना होगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये अमाउंट का कैसा, इसमें रुपया का चर्चा हुआ है इसीलिए बट्टा में सीपी लिखे हैं। अब प्रतिशत लाभ हमारा जो हो जाएगा भाई, 5 से कटा 20 बार में, अब 20 60% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। कहता है कि जब 250 रुपये की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ, जो उस लाभ के धनराशि का ठीक दुगना था जो कि तब होती जब उसे 1600 रुपये में बेची जाती, उस वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करिए। कहता है कि 250 रुपया में वस्तु बेचने से जो लाभ हुआ ना, कहता है कि उस लाभ के धनराशि का ठीक दुगना था जो तब होता जब उसको 1600 में बेचा जाता। यानी इसका कहना यह है कि 1600 में बेचा जाता तो जितना लाभ होता ना, वो लाभ के धनराशि के ठीक दुगना हो रहा है 250 में बेचने से। अब सुनिएगा, यानी इस सवाल को उलट पलट के हम अगर पढ़ें तो 1600 रुपया में कोई वस्तु को बेचने से अगर मान लीजिए कि 100 रुपया के लाभ हुआ होगा तो कहता है कि 250 में बेचने से उस लाभ के धनराशि का ठीक दुगना यानी कि 2x लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कहता है, वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करिए। आपको मैंने बताया था कि दोनों जगह लाभ रहे या दोनों जगह हानि हो या एक जगह लाभ एक जगह हानि हो तो दो रंग है तो जोड़ के एक रंग तो घटा के याद करिए। आ इधर हमेशा विक्रयमूल का अंतर, दोस्तों हमेशा अंतर करना है, दो गो विक्रयमूल पता रहे ना तो लाभ हानि को देख लेना है, दो रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के। सुनिए, आ इधर अंतर तो 450 का अंतर हो गया, आ दोनों लाभ है तो घटा दिए, दोनों हानि रहता तो भी घटा लेते, 2x में से एगो x घटा दिए, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, बराबर में लिख दीजिए अंतर 450। आ सवाल अब ऐसे समझिए कि x की वैल्यू 450 है। अब 1600 में कोई वस्तु बेचने से x का लाभ हुआ यानी 450 का लाभ हुआ तो खरीदे रहे होंगे 1600 से 450 कम में ना सामान, तब ना 1600 में बेचने से 450 के लाभ हुआ। यानी हमारा जो क्रयमूल होगा, पहला स्टेप से हम निकाल सकते हैं कि 1600 में बेचे हैं तो x के लाभ माने इतना के लाभ तो इतना घटा लेते हैं, क्रयमूल पता चल जाएगा। 1150 में खरीद लेते वो सामान, 1150 में खरीदा गया था और 1600 में बेचा गया इसीलिए 450 का लाभ हुआ। आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते, दूसरे डाटा से भी देखिए, दूसरे डाटा से सीपी कैसे निकलेगा। तो 2050 में बेचने से 2x का लाभ हुआ है, एगो एक्स का वैल्यू 450 तो दूगो एक्स का वैल्यू 450 का दुगना ना यानी 900 ना, तो बताइए इतना में बेचने से 900 का लाभ हुआ, 900 घटा लीजिए ना, देखिए फिर 1150 आ जा रहा है कि नहीं। तो आपको दोनों जगह से पता चल गया है उसका क्रयमूल वस्तु का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए 14, कहता है एक थोक विक्रेता ने 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलमें एक फुटकर विक्रेता से बेची, फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर इसे बेच दिया, बताएं कि इस सौदे में फुटकर विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुए। इस सवाल बहुत लोग को समझने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, सवाल को बड़ा आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक थोक विक्रेता 27 कलम के मूल्य पर 30 कलम एक फुटकर विक्रेता से बेची, थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता से बेचा 27 कलम के मूल्य पर 30 कलम, यानी 27 कलम का ही पैसा लिया और 30 कलम उसको दे दिया।
27 का पैसा लिया फुटकर विक्रेता से, कौन थोक विक्रेता, और उसको 30 कलम दे दिया, कहा कि जाओ 3 को कलम ले जाओ तू अपना, ऐसे ले जाओ फ्री में। अब फुटकर विक्रेता सभी कलम को मूल्य पर ही बेच दिया, कहता है कि फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर इसे बेच दिया। ठीक है, बताएं कि सौदे में फुटकर विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी सवाल सीधा हुआ कि जितना रुपया में उस, सुनिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना रुपया में वो खरीद के लाया 30 कलम, वो तो 3 गो फ्री में ना कलम खरीद के लाया है, क्या 27 गो के पैसा दिया है 30 गो खरीद के लाया, लेकिन सबको बेचा अंकित मूल्य पर, यानी वो सबका पैसा लेकर बेचा। कहने का मतलब कि जितना पैसा में वो 30 कलम खरीद लिया उतना पैसा में वो 27 गो दिया होगा, आ 3 कलम बेच के वो लाभ कमाया होगा, यानी 27 कलम ही बेचा। आपको ऐसे समझना है कि जितना पैसा में 30 कलम खरीदा उतना पैसा में वो 27 कलम ही बेचा, कौन, फुटकर विक्रेता, इसलिए उसको लाभ हुआ, 3 कलम बचा लिया, तो लाभ हुआ भाई साहब कितने का, 3 कलम का। अब 3 कलम का लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ भी तो जानना पड़ेगा। प्रतिशत लाभ हो गया आपका लाभ बटा SP, यानी बटा में 27, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 3 से 9 बार में, 100 को 9 से काटेंगे 11 पूर्णांक, 1/9% आपका आंसर हो गया। चलिए आगे, चलिए बढ़ते हैं, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आज का। आइए दोस्तों अगला सवाल है, पद्र कहता है कि 240 रुपया प्रति सैकड़ा के दर से नारियल खरीदे गए और उसे प्रति नारियल 3.5 रुपया के दर से बेच दिया गया, इस सौदे में 550 रुपया का लाभ होता है, तो बताएं कि कुल कितने नारियल खरीदे गए थे। सवाल का ये कहना है कि 240 रुपया प्रति सैकड़ा के दर से नारियल खरीदे गए, उसे 3.5 रुपये नारियल के दर से बेच दिया गया। सुनिएगा, 240 रुपया प्रति सैकड़ा मतलब हुआ जानते हैं, अरे 240 रुपया में 100 नारियल, दोनों जीरो हटाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 2 रुपया 40 पैसा में 1 नारियल खरीदा गया, समझे कि नहीं, यानी 1 नारियल खरीदा गया है 2 रुपया 40 पैसा में, और सबको बेच दिया 3.5 रुपये नारियल, यानी 1 नारियल 3.5 में, चलिए 3.5 में से 2.40 घटा देंगे, इतने रुपये खरीदे 1 नारियल, इतना रुपये बेच दिए, 1.10 रुपया का लाभ हुआ प्रति नारियल, यानी 1 नारियल पर लाभ हमारा हुआ 1.10 रुपया का। सवाल कहता है कि यदि इस सौदे में 550 रुपया का लाभ होता है तो बताएं कि कुल कितने नारियल खरीदे गए थे। सिंपल, 550 रुपया टोटल लाभ है और 1 नारियल का लाभ इतना है ना, 1 नारियल के लाभ से अगर इसमें भाग दे देंगे तो ना पता चल जाएगा कितना नारियल बेचे हैं, कुल लाभ इतना और 1 नारियल का लाभ इतना, भाग दे दीजिए, अभी दशमलव हटाना है तो ऊपर 100 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 0 0 0 कटा, 11 5 55 5 से गुना हुआ, यानी 500 नारियल बेचा गया था और 1 नारियल पर, 1 नारियल पर लाभ हो रहा था 1 रुपया 10 पैसा का, इसलिए सब नारियल बेचे हैं 500 नारियल, तब हुआ है यहाँ 550 का, यानी 550 रुपया का लाभ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, एक सवाल और, चलिए अगला सवाल है हमारा 16 नंबर। कहता है रिंकी एक टीवी 4000 रुपये में खरीदती है, वह टीवी की कीमत का 10% एंटीना 15% स्टेपलाइजर खरीदने पर व्यय करती है, अब वह उस टीवी को कितने में बेचे ताकि 12.5% का लाभ हो। सबसे पहले आपको टोटल इसमें पता करना है कि लागत मूल्य कितना हुआ उसका, क्योंकि एक टीवी 4000 रुपये में खरीदा गया था तो टीवी का दाम हुआ 4000 प्लस, कहता है वह टीवी की कीमत का 10% एंटीना, तो 4000 का 10% एंटीना पर प्लस फिर 4000 का 15% स्टेपलाइजर पर, 4000 का 15% स्टेपलाइजर पर खर्चा है। आइए प्रतिशत से 2 जीरो काट लीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो काट लीजिए, यह हो गया दोस्तों 4000 टीवी वाला और एंटीना हो गया 400 का प्लस 15 × 4 = 60, 600 रुपया हो गया स्टेपलाइजर का, 600 × 400 1000 और 4000 5000 टोटल क्रयमूल हो गया, क्या हो गया क्रयमूल, ये टोटल क्रयमूल यानी लागत मूल्य, टोटल क्रयमूल आपका 5000 का। सवाल का कहता है, सवाल कहता है कि कितना में बेचे ताकि 12.5% का लाभ हो। अब चाह रहा है कि कितना में सबको बेच दे कि 12.5% का लाभ हो जाए, 12.5% लाभ कमाना चाह रहा है,
तो 12.5% का मान 1/8 होता है, लाभ है तो जोड़िए, यह है 12.5% का मान, लाभ है तो जोड़िए, 9/8 हुआ, 8 में 1 जोड़े 9, 9/8। दोस्तों कितना में बेचे, 5000 के सामान को कितना में बेचे, एसपी पर, एसपी निकालना है, सीधा गुना, यानी 9/8 से अगर इसको हम भाग देते हैं तो 8 × 6 = 48, 2 × 0 = 20, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, चलिए 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 2 = 18, 4 = 22 के 2 हासिल 2, 6 × 9 = 54 और 2 = 56, यानी 5625 रुपया में बेचना पड़ेगा, 5000 के सामान को 5625 में बेचना पड़ेगा, तब जाके 12.5% का लाभ होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की लगातार हमारी वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमारे अंदर हौसला बढ़ता है, जिसके वजह से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा, कितना बात समझ में आता है, कितना नहीं आता है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं उसको कोई भी दे सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।